Yeah.
तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जोर से बोलो, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हाथ ऊपर उठा के बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। दशभाग नंदिनी श्री लाल लीजू की जय। जय श्री राधे। ओम ज्ञान दिमिरम धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्याभिहीनापराध लक्ष्यै कीप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतिर् रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मतिर् दयांगबरा। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
त्वई पायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण अरे हो गया छोड़ दो बढ़िया हरि बोल। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किए थे। कहते श्री सौनकादि ऋषि लोग ये लोग बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं लेकिन श्री सुतो गोस्वामी कहते ये छोटे जाति में जन्म हुए हैं जो रथ को चलाते हैं उनको सूत कहते हैं ये छोटे जाति के हैं लेकिन यहाँ छोटे जाति व्यक्ति को जो ब्राह्मण लोग उनको प्रश्न कर रहे हैं इसका तात्पर्य है भगवान की भक्ति में जात पात कुछ ना कोई और हरि का भजा सो हरि का हो। भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं जो भजन करता है वही बड़ा है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे छह प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जो दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है जिसका उत्तर में श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम् योगिनाम निपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम्। बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम को जप करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इसलिए कहते हैं हरि नाम को कौन कौन करते हैं अगर कोई बोले हम लोग संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं ना इसलिए हम लोगों को ही करनी चाहिए। बोले नहीं कहते ये हरि नाम को जो मुक्त महापुरुष लोग भी ये हरि नाम करते हैं जैसे श्री भोले बाबा वो दिन रात क्या करते हैं बोले महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु बदेशा। कहते श्री भोले बाबा भी पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी वो पंचमुख में वो भी भगवान के नाम ही जप करते हैं। एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री भोले बाबा भी ठाकुर का नाम जप करते हैं। श्री हनुमान जी वो भी दिन भर क्या करते हैं बोले रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। इसलिए हनुमान भी क्या करते हैं, भगवान का नाम को ही जप करते हैं। कहते माता मैया, एक दिन माता जी ने श्री भोले बाबा को प्रश्न की, बोले प्रभु किसको भक्ति करनी चाहिए? ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बोले हे सुंदर पार्वती, अगर कोई विष्णु सहस्र नाम को एक बार कोई रटे, 1000 विष्णु का अगर कोई नाम ग्रहण करे, एक बार कोई राम का नाम ले लेना, 1000 विष्णु नाम समान 1 राम का नाम है। तब से माता पार्वती कहते सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतना प्यार क्यों करते हैं? अब देखना माता जी की 8 हाथों में देखोगे 1 हाथ में प्रभु का माला है। माता भी वही माला जप करती हैं। आप ब्रह्मा जी को देखना 4 ही हाथ है, देखना 1 हाथ में एक माला है। माता सरस्वती को देखोगे 4 ही हाथ है, 1 हाथ में देखोगे एक माला है। इसका मतलब है सारा दुनिया प्रभु का माला ही जप करते हैं। सारा दुनिया क्या करते हैं, ठाकुर जी की नाम को ही जप करते हैं। इसलिए एक भजन है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी गौरा माने, मिल गया डम्बरू भाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया डम्बरू भाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी यशोदा मैया ने, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी यशोदा माने, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। आ माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, मिल गया बजरंग भाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया बजरंग भाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। देखो कहते जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है, जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं, कौन जप कर सकता है, मतलब क्या है? अब देखना, कोई सिगरेट फूके उसे शर्म नहीं है, कोई शराब पिए उसको शर्म नहीं लगता है, अगर कोई चुगली करे शर्म नहीं लगता है, अगर कोई बोले थोड़ा भगवान के नाम जप करे, अगर कोई टीका लगा ले, बोले ये तो साधु बन गया, तो बाबा जी नहीं बन गए हैं, ये तो साधु बन गया है हैं, इसलिए थोड़ी माला जप करे, बोले तो माला लेकर घूमती रहती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं राम नाम की माला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत हो ना वही जप कर सकता है। मीरा नहीं है जप की, पार्वती ने ये माला जप करती है, भोले बाबा भी जप करती हैं, श्री हनुमान जी माला जप करते हैं। बोले क्यों? बोले जिनका दिल मजबूत है ना वही व्यक्ति ही माला जप कर सकते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते माला जप है। इसलिए भागवत में बताए जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी वही व्यक्ति ये माला जप कर सकते हैं।
सभी व्यक्ति प्रभु का नाम को नहीं जप कर सकते हैं। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं एतत् निर्विद्यमानानां भले इच्छताम अकोत भयम्। कहते भगवान का नाम को कौन जप करेगा, भले इच्छताम अकूत भयम्। अगर जीवन में जो सुख और शांति में रहना चाहते हैं, अभय पूर्वक संसार में रहना चाहते हैं, कहते वे व्यक्ति भगवान का नाम को जप कर सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति कौन है, बोले जोगी नाम निर्पर निर्मित। जितने ऋषि जोगी शास्त्र वेदांत सबके सब यही एक ही बात बताए, अगर प्रभु का नाम ही शास्त्र का सार है। इसलिए समझो जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर लिया ना, माला जप कर लिया ठाकुर जी का, समझो सारे काम उसने कर दिया, सारे काम उसने कर दिया। अगर दुनिया के सारे कर्तव्य को तुमने पूरी कर दी, लेकिन भगवान के भजन में तुम्हारी कोई मति नहीं, लास्ट में देखोगे गोला हलो जीरो है। इसलिए मरते समय क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलेंगे ना। बोले जितना राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और जो दुनिया में जो कुछ किया है ना तो सब छोड़ कर जा रहे हैं। यहां से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं हरे नामानुकीर्तनम। अगर ये भवसागर से पार होना चाहते हो क्या करो, ठाकुर का माला जप करो, ठाकुर जी की नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, कोई तोतली है ना क्या? और जोर से, और एक बार जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बदंती तत्त्व विदस्तत्व जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कदो एक ही भगवान है, लेकिन वो एक ही भगवान, उनके तीन तरह के भक्त हैं, एक ज्ञानी है, एक जोगी है और एक भक्त है। कहते जो ज्ञानी वो एक ही भगवान को वो निराकार रूप में दर्शन करता है। इसलिए एक संप्रदाय ना जो निराकार है, बोले भगवान का रूप ही नहीं, भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, लीला ही नहीं भगवान की। ओ बच्चा क्या मरा लेने वाले, अरे इसको थोड़ा तुम साइड करके बैठो, लोग जब आए जाए ना तो इसको भी साइड कर दो, इसको भी साइड कर लो, इधर इधर कर बैठो। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते ना अरे भगवान तो निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं है, वो तो एक ब्रह्म ज्योति है। कहते नहीं, भगवान का रूप नहीं होता तो फिर हम कहाँ से आते, ठाकुर जी का अगर रूप नहीं होता तो हम फिर कहाँ से आते। इसलिए हमारे जितने वेद पुराण उपनिषद कहता है भगवान बड़े सुंदर है, बांके बिहारी बड़े सुंदर है। कहते ना बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा। ठाकुर जी बड़े सुंदर, ठाकुर जी हमारे प्रभु राम कितने सुंदर है। इसलिए कहते ना तुम्हें व माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु स सखा तुम्हें। भगवान का रूप है तब भी हमारी रूप है। अगर तुमको कोई बोलेगा तुम्हारे पिता माता है, तुम्हारे पिता माता है, ऐसे कभी हो सकता है, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी पिता माता है तभी तुम जगत में आए हो। इसलिए हमारी पिता माता कौन है, हमारी पिता माता निराकार नहीं निरंकार नहीं है, हमारे पिता माता भगवान श्री बांके बिहारी और भगवान राम हमारे पिता माता है। इसलिए जो ज्ञानी है वो कहते भगवान तो निराकार, उनका तो कोई रूप गुण नहीं। कहते जो योगी है वो क्या कहते हैं, बोले एक अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा है उसको केवल अपना हृदय में ध्यान करो। लेकिन तीसरा नंबर कौन, बोले जो भगवान का भक्त है वो भक्त क्या बोलते हैं, नहीं भगवान तो बड़े सुंदर है, ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं ठाकुर जी। इसलिए अब लोग कहीं नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं जोगी का भगवान। भगवान किसके हैं, भगवान केवल भक्तों का ही भगवान है। इसलिए उनका नाम बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय जय। इसलिए
बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे जो भगवान हैं केवल उनको प्रेम को द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो भगवान ये युग युग में अवतीर्ण होते हैं, इसलिए बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते ऐसे जो भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा ही है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र रूप में सनक सनातन सनातन और सनत कुमार रूप में जगत में आए और ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन को बिताए। भगवान का जो दूसरा अवतार है बराह अवतार है। ध्यान देकर सुना, भगवान की बराह अवतार है। भगवान ये बराह रूप में क्यों प्रकट हुए? बोले ये हिरण्याक्ष को वध करने के लिए, हिरण्य राक्षस को वध करने के लिए। इसलिए बोले शाम का समय में चार ही काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, क्या क्या? पहला नंबर, शाम का समय में पढ़ाई मत करो। अगर शाम का समय में जो बच्चा पढ़ेगा ना उसको याद कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कहते ना बच्चा घर में तो बढ़िया पढ़ाई करता है लेकिन जब पेपर देने जाता है सब भूल जाता है, कुछ गड़बड़ी है पढ़ाई में। दूसरा काम, शाम का समय में भोजन मत करो। एकदम शाम का समय में, शाम का समय में जो भोजन करेगा उसका पेट का रोग कभी नहीं जाएगा, जिंदगी भर परेशानी रहेगा। तीसरा काम, शाम का समय में सोना नहीं, एकदम ठीक संध्या समय में। जो संध्या का समय में सोएगा उसकी घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती है, वो व्यक्ति निर्धन हो जाएगा, घर से माँ लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इसलिए कभी भी शाम का समय में सोना नहीं। और जो चौथा काम है, स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। फिर तो गर्भ से जो बच्चा जन्म होगा ना वो राक्षस बन करके जन्म लेगा। इसलिए भागवत में कथा आती है, एक समय दीति ने बड़ी सुंदर श्रृंगार की, सीसा को सामने खड़ी होकर के, और वो बड़ी राजकुमारी थी, बड़ी सुंदरी थी। जब सीसा को सामने खड़ी होकर के श्रृंगार की, अपना रूप को देख करके वो इतने काम में मुग्ध हो गई, अपना काम वासना को रोक नहीं सकी। अपना पति श्री कश्यप जी को पास में गई मिलने के लिए। कश्यप जी ने कहा देख दीति ये समय अच्छी नहीं, शाम का समय श्री भोले बाबा शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर घूमते रहते हैं, इसलिए ये समय अच्छा नहीं, तो अभी मत मिला करो। लेकिन वो काम में इतने पीड़ित हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति को साथ में मिले। कश्यप जी ने कहा देखो दीति तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म लेगा, राक्षस जन्म लेगा तेरे पेट में, और उसको गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस जन्म हुए और इतने उत्पात दुनिया में मचाए। देखना कोई कोई बच्चा तो खूब पिता माता का आदेश पालन करता है, सवेरे उठेगा पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इतने उद्दंड होते हैं पिता माता की बात नहीं सुनते हैं। ये दोष किसका है? बच्चा का दोष नहीं, माँ की दोष है। पहला नंबर है, जिस समय गर्भ में बच्चा धारण करती है माँ वो दिन अच्छी होनी चाहिए, समय एक में तो अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन गर्भ में बच्चा है माताओं को क्या करनी चाहिए? ठाकुर का आरती करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो, ठाकुर जी ऐसे है कि बच्चे दो जो कि हमारी खानदान को रक्षा करे। ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाओ, देखना गर्भ में जो बच्चा जिस दिन आएगा गर्भ में वो बड़ा अच्छा बच्चा बन करके आएगा। दूसरा काम है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या? अगर पेट में बच्चे रहते हुए माताएं अगर रामायण पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हो, भागवत कथा पढ़ती हो, देखना वो बच्चा बड़े आज्ञाकारी होगा और इतने इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इतने बुद्धिमान बच्चा, बड़ा धुरंधर बच्चा होगा। अगर गर्भ में बच्चा है तुम डिस्को डांस देख रहे हो, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर देख रहे हो, फिर तो वो बच्चा जन्म से ही दैत्य बन करके आएगा। इसको कहते गर्भ संस्कार।
अब रामायण सुने होंगे ना, जब लव कुश सीता जी के गर्भ में थे, भगवान राम ने अयोध्या में सारे संतों को नौता दी, बड़े सत्संग करवाए और मैया सीता को बैठा करके बोले सीते जानते हो आज हमने ये संतों की क्यों बुलाए, सत्संग क्यों करवाए? बोले क्यों? बोले अभी तुम्हारी गर्भ में बच्चे हैं, अगर तू कथा सुनोगी ना, सत्संग सुनोगी, तेरे गर्भ से बहुत अच्छा बच्चा जन्म लेगा। बच्चे कौन हुए? लव और कुश हुए। देखे ना लव कुश कितने बलवान, कितने बुद्धि, कैसे बलवान बने हैं। इसलिए ये गर्भ संस्कार इसको कहते हैं। इसलिए इसलिए ये चार काम नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, और हिरण्यकश्यपु ने इतने उसने टहलका मचा दी, भगवान को बराह अवतार लेना पड़ा, और बराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किए। बोले श्री बराह भगवान की जय। भगवान की जो तीसरा अवतार है बोले श्री नारद बाबा। लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनामी है। क्या है? हम कहते तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे हो? बोले ऐसे नहीं है, इनका नाम नारद। नारद मतलब क्या है? नार मतलब होता है ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान देने वाले, नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देने वाले, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडेति, जीव का सारे बंधन को जो खंडन करने वाले श्री नारद। और नारद, नारद जो कभी रद्द नहीं होते, हर समय जिसकी जय जयकार है। इसलिए विशेष करके नारद जी की चार चेले हुए हैं, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव और एक प्रह्लाद। हम आगे इनकी कथा सुनेंगे, क्या सुंदर दो बालक हुए। कितने उम्र में उन्होंने भगवत प्राप्ति की? बोले 5 साल में। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रह्लाद को, बताओ तेरे हरि कहाँ हैं? प्रह्लाद ने बताया, ये बताओ मेरे हरि है ही नहीं कहाँ, तो बताओ। बोले ये खंभे में मैं क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे, सचमुच से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा, फिर तेरे को दिखाऊंगा। एक मुष्टि का घात मारे तो खंबा फट गई, सख्यात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। और एक हुए ध्रुव जी हुए, जिन्होंने 6 महीना में ही भगवत आराधना करके भगवत प्राप्त हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले जन्म जन्म मोनि जत न कराए, जनमे जनमे मोनि जत न कराए, आ जनम जनम मोनि जत न कराए, जनमे जनम मोनि जत न कराए, अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई, जन्म जन्म मोन जत न कराए, जन्म जन्म मोन जत न कराए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी वो अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलती है, भगवान का नाम नहीं निकलती मुंह में। लेकिन प्रह्लाद ध्रुव ने केवल 5 साल उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए इनकी और दो चेले हुए हैं, एक वाल्मीकि हुए और एक हुए श्री व्यास। वाल्मीकि ये पहले दशरथ ना करते, लूट मार करके सारे पैसा को एकत्रित करते थे। एक दिन नारद से साक्षात्कार हो गया, बोले बाबा निकालो पास में क्या माल निकालो। बोले भैया मैं तो संत हूँ, लोटे सोटे लंगोटे मेरे पास में 3 चीज। बोले जो कुछ निकालो। नारद जी ने बताया, ये बताओ तुम ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, ये पाप कर्म को कौन भागीदार बनेगा? बोले मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता माता हैं। बोले देख, हाँ अब भी ध्यान देकर सुना, ये सबके सब तेरे साथ में सुख का समय में हैं,
जब दुख का समय होगा ना, ये कोई भी साथ में नहीं रहेगा। ये दुनिया बड़ा विचित्र है। बोलेगा आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में तेरे पैसा हो, पैसा गन आप कैसे नहीं, तू कौन हो, तू कौन हो, ये बड़ा विचित्र दुनिया। जा पूछ कर क्या? बोले मेरे को उधर भगा करे तो इधर भाग जाओगे? बोले भागूंगा नहीं, बोले तेरे को बांध करके जाऊंगा। बोले बांध करके नारद जी को हाथ को पीछे से बांध करके गए पूछने के लिए। पहले पिता माता को पूछे, बोले ये पाप कर्म से जो पैसा मैं कमा रहा हूँ इसमें भागीदार आप बनोगे कि नहीं? बोले क्यों, तेरे को हमने जन्म दिया, लिखा पढ़ा किराया इतना बड़ा बनाया, इसलिए हमने कैसे पैसा कमाया ये बात हमें पता है, और तू कैसे पैसा कमाओगे भैया हमें कुछ पता नहीं। अभी पत्नी से पूछा, बोले तू अंशीदार बनोगे कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा है, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। बच्चों से पूछे, बच्चों ने कहा देखो अभी हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमको लिखाया पढ़ाया करो, जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे, हैं पर सोचेंगे आपका पाप लेने वाले नहीं। बोले भैया बाबा तो सही कह रहा था, ये तो कोई भी पाप कर्म लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। देखो ये शिक्षा देते हैं, अगर कोई पाप कर्म करो ना हजार बार सोच करके करो। हम जिनको अपना आत्मीय सज्जन कहते हैं, ये सब के सब सुख का समय थे हमारे साथ में, दुख में कोई भी साथ देने वाले नहीं, अपना कर्म का फल तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करके कोई काम को तभी किया करो, ठीक है ना। फिर तो बोले भैया बाबा तो सही बता रहे थे। उन्होंने वापस आए, वापस आ करके बोले बाबा आप सही बता रहे थे, कोई भी दुख लेने के लिए कोई भी तैयारी नहीं, लेकिन जगत में सबके सब सुख लेने के लिए तैयारी है। बताओ अभी मैं करूँ क्या, कैसे हमारी पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तुम बोलता था मारो मारो? बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोला हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने मरा मरा बोलो अपने आप राम राम हो जाएगा। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। अगर उल्टा नाम जप करते करते अगर राम नाम हो गया और उससे दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया, अगर हम सीधा नाम जप करेंगे तो क्या नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान का नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को बता नहीं सकते, इतने महिमा भगवान के नाम से। आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो? कौन कौन पेड़ लगाया हाथ उठा तो? कौन कौन कभी कोई पेड़ लगाए हाथ उठा? कोई पेड़ नहीं लगाया जिंदगी में? उठा हाथ, हाथ जोर से उठा सबके सब। देखो गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है, देखना जब गेहूं लगाते ना घर में तो गेहूं धान लगाए होंगे, देखना वो बीज को ऐसे खेती में फेंक देते हैं, बीज को खेती में ऐसे फेंक देते हैं, देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े। लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है बताओ? पेड़ उल्टा होता है ना सीधा होती है? सीधा होती है। इसका मतलब है गोस्वामी जी कहते हैं अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम को ले लोगे ना वो कभी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए अजामिल ने जब अपना बेटा का नाम लिया, बेटे का नाम नहीं, वो भगवान को नहीं बुलाया था, उसने अपना बेटा का नाम लिया था, हैं? और कौन सा समय में नाम लिया? जिस समय जमदूत आए गले में काल फांस को लगाकर खींच करके ले जा रहे थे, उसमें चित्कार करते हुए उसकी बुद्धि भी सही नहीं था, और कौन सा समय में उसमें वो टाटी पेशाब कर रहा था, अपवित्र अवस्था में था, चित्कार करके बेटा नारायण चित्कार करते हुए बोला। लेकिन भगवान का नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति ठाकुर जी का नाम पर वैकुंठ विष्णु दूत आकर बचा दिया उनको। शिक्षा देते हैं अगर हम किसी तरह से भी ठाकुर जी का नाम ले लेना, ठाकुर जी हमारा कल्याण कर देंगे। इसलिए मैं बीच बीच में जोर जोर से अब से हरिनाम करा लेता हूँ, हैं? इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण
जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहले भगवान की ऐसे ही भगवान की 26 अवतार है, चौथा अवतार है ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में बद्रिका आश्रम में ठाकुर जी भजन कर रहे हैं। बोले भैया भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो जीव को करनी चाहिए, लेकिन भगवान को पता था कलिजुग का जीव इतना कठोर साधन भजन कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ में आए, ठाकुर जी को दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही ठाकुर जी कहते हैं मैं जो तपस्या कर रहा हूँ तपस्या का छठवां भाग का फल अपने आप मिल जाएगा, जो केवल आ करके मेरे को दर्शन कर लेगा। आप लोग बताओ तो कौन कौन बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए, हाथ उठाओ। बाबा रे एक दो व्यक्ति, केवल एक एक दो व्यक्ति, कोई गए नहीं बद्रीनाथ। आप बताओ कौन जाना चाहते हो? सबका मिल जाएंगे। और जोर से हाथ उठाओ, उठाने भी नहीं जा रहे, क्या चक्कर है? हाँ देखो वो जो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ना, अगर 10 दिन निकाल करके जाओगे, अगर गाड़ी में 10 दिन जाओगे, 10 दिन में घूम करके कितने कष्ट में आओगे। लेकिन और एक सरल उपाय है, ध्यान देकर सुनो। अब एक दिन में जा करके एक दिन में वापस आ सकते हो, केवल 4 धाम नहीं पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ को एक दिन में करके आ सकते हो। कौन जाना चाहते बताओ? एक दिन में सब कुछ घूम करके आ जाओगे। देखो जिस समय कृष्ण जन्म नहीं हुए, नंद बाबा ने मनौती किया था अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में जरूर करूंगा। अभी कृष्ण में घर में कृष्ण जन्म हो गए, एक दिन नंद बाबा मैया जसोदा ब्रजवासी तैयारी हुए, चलो हम सारे तीर्थ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण झूला देव सरोवर, चलो हम सबके सब भ्रमण करके आते हैं। कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले हैं, मैं जिसका स्वयं बेटा हूँ, कितना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे किया, जानते नहीं है हम श्री वृंदावन वासी है। ये वृंदावन धाम में सारे तीर्थ है, ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो वृंदावन धाम में नहीं। इसलिए बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां। बोले पिताजी कहां जाओगे? बोले सारे तीर्थ करने के लिए। बोले सारे तीर्थ तो ब्रज में ही है, आओ मेरे साथ में, आपको सारे तीर्थ एक दिन में करा के लाऊंगा। कृष्ण उनको लेकर गए काम्य वन में, और काम्य वन में सारे ब्रजवासियों को बोले, बोले हाथ जोड़ लो, आप लोग भी हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ को याद करो मन मन में। सारे ब्रजवासी आंख बंद करके सारे तीर्थ में को याद किया, याद करके बोले आंख खोलो। अभी जो आंख खोले ना, वहां पर सारे तीर्थ वहीं पर आ गए, सारे तीर्थ वहीं पर आ गए, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और अलका नंदा यमुना गंगा गंगोत्री देव सरोवर लक्ष्मण झूला, ये सारे को सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। और जितने ब्रजवासी थे सबके सब सारे तीर्थ कर लिया है। ये काम्य वन में वृंदावन में काम्य वन एक स्थान है। कौन कौन गए हो काम्य वन में? हाथ उठाओ, सही सही बोलो। 1 2 3 4 लोग गए हैं। अब जाना कौन चाहते बताओ? एक दिन में सारे तीर्थ करके आ जाओगे, ये सबके सब श्री वृंदावन धाम है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान की ऐसे 26 अवतार की बात सुनाई, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि कृष्ण, जब उनने सारे अवतार का नाम ले रहे थे, बोले ये कृष्ण बांके बिहारी भी एक अवतार। अभी इसको बोल करके उन्होंने तो बोले भैया मैं तो गलती कर ली, मैंने बोल दिया बांके बिहारी भी एक अवतार है,
कहते भैया बांके बिहारी अवतार नहीं, कहते ये कौन? बोले अवतारी। अवतारी मतलब क्या? जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, हैं? सारे अवतार जिनसे आते हैं, इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बताते हैं। बोले इत चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे सोनकाद ऋषियों, अभी तक जितने मैंने अवतार नाम लिया है ना, कोई कृष्ण के बांके बिहारी जी के अंश के कोई अंश है, लेकिन ये जो बांके बिहारी ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म श्री बांके बिहारी। जो व्यक्ति ये बांके बिहारी जी की पूजा करते है ना, आप लोग महाभारत देखे हो? कौन कौन महाभारत देखे? आप देखे होंगे जब अर्जुन ये चीज को दिमाग में बैठा करके जाओ, इतनी सी बात को बैठा करके जाओ, जब वो युद्ध करना अर्जुन नहीं चाह रहा था, बोले ये आत्मियों को मार करके किया होगा, मैं तो भीख मांग कर खा लूंगा, ये खून से सने हुए राज्य मेरी जरूरत नहीं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। इतने में कृष्ण विराट रूप दिखाया, देखे होंगे ना। बोले हे अर्जुन देखो इतनी सी बात समझ करके जाओ, बोले जी तू जिसको शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में ही है, जिसको तुम पार्वती कहते हो देखो पार्वती मेरे में है, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में ही है, जिसको तुम कहते हो गणेश जी देखो वो गणेश मेरे में है, यहां तक भी इंद्र चंद्र वायु वरुण, यहां तक भी उन्होंने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन बलराम जितने अवतार है कृष्ण सबको उन्होंने दिखाया। देखो अर्जुन मैं कौन हूं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मेरे सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है? आप मेरे तरफ में देखो, देखो मेरे तरफ में कृष्ण की जैसे एक माला है, ये माला क्यों बनी हुई? क्योंकि इसको अंदर में एक धागा है, आपको धागा दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? फूलों की एक माला है। अगर ये धागा को तोड़ दिया जाए फिर ये माला रहेगी? ये माला बनी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ है नहीं। कहते ना कृष्ण के इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, दुनिया मेरे अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए जब हम भगवान बांके बिहारी को कृष्ण को प्रणाम कर लेते हैं क्या हो जाता है? ये 33 करोड़ देवता की अपने आप प्रणाम हो गया, शंकर जी को भी हो गया, गणेश जी को भी हो गई, पार्वती को। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। गौरांगी इधर है, इधर आ जा ऊपर आ जा। हरे कृष्णा। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, हाँ ध्यान देकर सुना, सुतो गोस्वामी कहते हैं जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जड़ में जो पानी दे दो देखना पूरा पेड़ हरा भरा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते को धोते रहे, उसको टहनिया को फल फूल को दिन भर धोते रहो, लेकिन पेड़ का जड़ में पानी मत दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? अरे बोलो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? उसका जड़ में पानी नहीं डाल रहे हो, दिन भर पत्ते में फल में फूल में पानी दे रहे हो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। लेकिन आप कहीं भी पानी नहीं दे रहे हो, लेकिन केवल पेड़ का जड़ में पानी दे रहे हो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? रहेगा। जैसे आप मुंह में दाल चावल रोटी दे रहे हो, मुंह में दे रहे हो, जिंदा रहोगे कि नहीं? लेकिन अगर मुंह में खाना नहीं देते हो, थोड़ा आंख में दाल डाल दो, थोड़ा कान में रोटी दे दो, हाँ थोड़ा हाथ में चावल ले दो, जिंदा रहोगे? नहीं। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं ये जो बांके बिहारी कृष्ण है ना, इसलिए उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखाया है, अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ है ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे में। जब श्री बांके बिहारी जी की चरण को पूजा कर लो ना, क्या होगा, ये सारे 33 करोड़ देवता खुश हो जाएंगे। लेकिन बांके बिहारी जी को पूजा नहीं कर रहे हैं, बोले 33 करोड़ देवता को दिन भर पूजा कर रहे हो, बोले भैया कुछ होने वाले नहीं। इसलिए आप देखना, भले ही जिंदगी में जिसको पूजा करो जिसको सेवा कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, जब शरीर छूटेगा, किसका नाम लेकर के ले जाते हैं? राम। उस समय कहते ना, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते है ना। किसका नाम सत्ता? केवल राम और कृष्ण का नाम सच्चा है और जगत में सब झूठा है। भैया जब जगत में सब झूठा, पर झूठे पीछे क्यों पड़े हो? इसलिए कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब हरि की कृपा हो जाए किसको ऊपर में, उसको ऊपर में सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते भैया एकनिष्ठ होकर के श्री बांके बिहारी जी की पूजा करो, भगवान कृष्ण को भक्ति करो। कहते और जितने सारे देवादेवी फिर क्या करे, फेंक दे? बोले नहीं, सबको आदर दो, सबको आदर दो, लेकिन हृदय में मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई। इसलिए हृदय में केवल कन्हैया को स्थान दो,
हृदय में और किसी को स्थान मत दिया करो। बास केवल वाक्य बिहारी को ही हृदय में स्थान दो, सबको आदर करते रहो लेकिन हृदय में ठाकुर जी को स्थान दो। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम हमारे बीच में हमारी की छोटी बेटी है, वो एक सुंदर भजन गाएगी। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल। Thank you.
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले द्वापर समन प्राप्ते युग पर जाए व्यास पराशर दुग्गी काश्याम कलयारे। बोले स्वर्ण गाद ऋषि, मोटी मोटी कोई दुकान नहीं तो कोई व्यवसाय हो, बोले मेरे पास में समय वृंदावन बिहारी लाल की। कोई तो जय कोई है बोल रहे हो। अरे जो कल एकादशी, कल आज थोड़ी है, आज कोई एकादशी व्रत रखे ना क्या? नहीं है ना, फिर थोड़े जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। लगे भैया कहीं कथा हो रही है, इसलिए श्री स्वर्णकादि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं, जैसे भागवत कथा हो रही है, किसी व्यक्ति को निमंत्रण तो भागवत कथा सुनने आई हो, किसी व्यक्ति का अगर छोटी मोटी कोई दुकान नहीं तो व्यवसाय होगा, वो बोलेगा भैया मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन ये परीक्षित महाराज उसी समय कोई साधारण राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब क्या है? प्रभु जी छोड़ दो, जो कीर्तनों का करना। चक्रवर्ती मतलब क्या है? ये संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सात दिन तक सारे काम को पीछे रख करके उन्होंने कथा सुनी। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? बोले एक जगह पर उतना समय टिकने वाले, एक गो दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय ये कहीं टिकने वाले नहीं। जो 16 साल तक वो मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले उन्होंने 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया। ऐसे कृष्ण कथा में रहस्य है, इसलिए आप कृपा करके बताए हो ये भागवत ग्रंथ क्यों रचना की, ये भागवत है क्या चीज? मैंने जो पूछा नहीं पूछा ये सारे बात को आप कृपा करके बताए। इसको सुन करके सुतो गोस्वामी ने कहा देखो जब ये कलियुग आ रहा था, श्री व्यास देव जी जब जन्म हुए तब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने कलियुग का स्थितियों को देखा। कलियुग का स्थिति देख करके देखा ये कलियुग आएगा ना, धीरे धीरे सबका बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएगा, क्योंकि कलियुग में आपका कोई प्योर चीज मिलेगी नहीं। लिखा हुआ होगा प्योर घी, पता नहीं कौन सा चर्बी भरवी से बनाया हुआ होगा, और सब चीज हाइब्रिड दे करके बनेगी। पहले लोग प्योर चीज खाते थे इसलिए स्मरण शक्ति भी ज्यादा होता था, और नियम है सबके सब पहले गुरुकुल में
25 साल तक सबको जाना पड़ता था और 25 साल तक सबके सब ब्रह्मचर्य पालन करते थे। कहते जो व्यक्ति 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करेगा, कोई चीज आप पढ़ो एकदम पढ़ते ही याद हो जाएगी, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। लेकिन कलयुग में ये जो स्मार्टफोन निकल गया ना, हाँ, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये टीवी भी जो निकल करके आ गई, बच्चों को इतने बर्बाद कर दिया, इतने बर्बाद बच्चों कर दिया। अभी 13 साल उम्र में बच्चे माताएं स्त्रियां गर्भधारण करती हैं 13 साल उम्र में। इसलिए देखा ये कलयुग आएगा तो बड़े उल्टा पुल्टा होने वाले ये कलयुग में। इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब चीज को उन्होंने देख लिया, देख करके वेद था एक, उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया। फिर उन्होंने उपनिषद को रचना की, फिर ब्रह्म सूत्र बनाए, फिर उन्होंने 18 पुराण बनाए। देखा स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने पंचम वेद, फिर उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। लेकिन इतने सारे रचना करते हुए भी उनको मन को शांति नहीं मिल रही थी, बड़े दुखी होकर के नारद श्री व्यास देव बैठे हुए थे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री नारद जी प्रकट होते हैं, बोले व्यास देव लगता है तेरे मन में शांति नहीं है। बोले गुरु जी आप सही बता रहे, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ मैंने बनाई लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिल रहा है। गुरुदेव आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकार रुकार स्तस्य निरोधको, जीव का हृदय में जो अज्ञान को दूर करके दिव्य आलोक जो संचार करते हैं वो गुरु जी है। बोले गुरु जी आप तो सब जानते हो, आप बताओ मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैं तो जीव के लिए इतना कुछ किया है। तब श्री नारद जी बताए, बोले जथा धर्म दयश्चार्था मुनिवर्या नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णित। बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान करो, कैसे स्वर्ग जाओ, ये बात को तो बड़े बढ़ा चढ़ा करके तुमने बता दी। लेकिन जीव का जो असली जो धर्म है ना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये बात तुमने स्पष्ट रूप में नहीं बताया। इसलिए जब तक तुम दूसरों को शांति नहीं दोगे फिर तुमको शांति कैसे मिलेगी। इसलिए बेटा अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथों को रचना करो जिसमें शुद्ध रूप में भगवान और उनका भक्तों का चरित्र को गाओ, तभी तुमको शांति मिलेगी। लेकिन तुमने कहीं कहीं बता दिया, बोले कब भजन करनी चाहिए। बोले ये संसार करते 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 जब रिटायर लाइफ हो जाओगे ना, जब काम धाम तुम्हारी कुछ नहीं रहेगा, फिर एक दो माला सटका लोगे, एक दो माला कर लेना। हाँ तुमने ये सब बात बताई, इसमें बहुत गड़बड़ी बताई, ये सही नहीं है। इसलिए जब जो चीज को बचपन से याद नहीं करोगे, बचपन से संस्कार नहीं डालोगे, बुढ़ापा में वो कभी आ ही नहीं सकती हैं। जब बचपन से संस्कार डालोगे तभी तो बुढ़ापा में भगवान की भक्ति होगा ना। तुमने बताया रिटायर्ड लाइफ में भजन कर लेना, हाँ रिटायर्ड लाइफ में तुम भजन कर लेना। भैया रिटायर्ड लाइफ में ये सरकार रिटायर क्यों करता है, जब देखता है ये 8-8 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता है। बोले भैया हो गया जो कुछ होना, तू घर में जा। जब साधारण काम से तुम रिटायर्ड हो गए फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे। देखो जब कोई एक फूल खिला हुआ हो ना, वो खिले हुए फूल को तो ठाकुर का चरण में दे सकते हो, जब फूल मुरझा जाए वो फूल फिर ठाकुर का चरण में चढ़ाया जाएगा। जब कागज कोरे कागज हो, कोरे कागज के ऊपर में कुछ लिख सकते हो,
लेकिन जो कागज में एक बार लिख गया उसको ऊपर में दो बार थोड़ी लिख सकते हो, लिख नहीं सकते, वो ऑलरेडी उसमें लिख गया है। जब पौधा छोटा होना एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह पर लगा सकते हो हैं, लेकिन जब जड़ ज्यादा नीचे चली गई आप उखाड़ करके कहीं लगाओ वो जमेगा नहीं, वो जमेगा नहीं। देखो मिट्टी जब कच्चा होता है, कच्चे मिट्टी में जो कुछ बनाना तो बना सकते हो, लेकिन ये मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कोई चीज बनेगी क्या? तो उसी तरह अगर बचपन से भक्ति की आदत नहीं डालोगे, सोचोगे बुढ़ापा में भजन करोगे, भैया इतने आसानी नहीं भजन करना, क्योंकि जिंदगी में रील में जो भरा होगा वही निकलेगा। तो आप स्वयं देख लो, समझो 10 मिनट ठाकुर के सामने बैठी करके हम ठाकुर को ध्यान करेंगे, अब स्वयं देख लेना, आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठ रहो, देखोगे आपका 1 मिनट भी भजन में नहीं लगी, 1 मिनट नहीं लगी। बोले क्यों? बोले बचपन से जो रील में भरा ना वही तो निकलेगा ना, जिंदगी भर तो कचड़े भर दिए, तो भगवान की भक्ति कैसे निकलेगी बताओ? इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से करो, बुढ़ापा में नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज कितने उम्र में भजन किया? 5 साल में, प्रहलाद 5 साल में, मीरा बचपन से, तुलसीदास बचपन से, हनुमान जी बचपन से, बूढ़े होकर कोई भजन ही नहीं किया, बूढ़े होकर कोई भी भजन नहीं किया। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से आदत डालो। इसलिए नारद जी ने कहा, देखो व्यास देव तुमने ये जो बात बताया ना, रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे नहीं। तब बोले एक कहानी सुनो, आप लोग को भी एक कहानी सुनो, ध्यान देकर सुनो, ये नारद की कथा सुना रहे हैं। बोले नारद जी, बोले एक बार मैंने ये मरते जगत में गया, घर घर में मैंने गया, सबसे पूछा भैया तुम ठीक ठाक हो, सबके सब सिर हिलाए, लेकिन जब पास में बैठ कर अंदर की बात मैंने पूछा, देखा संसार में कोई भी ठीक नहीं, सब अठीक है, सब राइट, कोई रंग कोई राइट नहीं, सबके सब रंग है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 दुखी, सब दुखी दुखी। देखा एक दिन वैकुंठ में गया, देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, मैंने कहा ठाकुर जी जगत में सब जीव दुखी दुखी, ये कुछ जीवों को वैकुंठ क्यों नहीं ले आते हैं? कोई आपको फूल की माला बनाएगा, कोई चंदन घिसेगा, आपके लिए कोई रोसई बनाएगा, ये वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। कहते नारद जी मैंने 24 बार गया ये जीवों को लाने के लिए, एक जीव भी ये माया ममता मोह को छोड़ करके कोई भी आना नहीं चाहता है। बोले ठाकुर जी मेरे को विश्वास नहीं होता, इतना दुख पा रहे हैं, संसार में कोई आना नहीं चाहता? बोले नहीं, बोले मेरे को तो विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले ठीक है नारद जी, ये दायित्व तो मैं तेरे को दे दिया, तू मरते जगत में जा, जो जाना चाहते सबको वैकुंठ ले आ। नारद जी बोले प्रभु आज ये वैकुंठ पूरा भर दूंगा, ये वैकुंठ खाली है ना, पूरा आज ही भर दूंगा। बोले ठीक है। नारद जी उतर करके आए, देखा जेठ की महीना, एक किसान खेती कर रहा था, एकदम शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। बोले किसान भैया, बोले क्या बात है? बोले वैकुंठ एकदम खाली पड़ा हुआ। ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उनको पकड़ करके वैकुंठ ले आओ। वैकुंठ चले गए, बोले अपना रास्ता देख, बोले वैकुंठ चले गए। अभी खेती कर रहा हूँ, अभी गेहूं होगा, परिवार है, कोई काम धाम नहीं, बोले वैकुंठ चलो। और थोड़ी दूर गए, देखे एक माता जी कुएं से पानी भर रही थी, बोले ये तो जरूर जाएगी। बोले माता जी वैकुंठ चलोगे? बोले बाबा जी अभी अभी मैंने रोटी बना करके आई हूँ, और घर में जा करके सब्जी बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी खाना, मेरे पास में वैकुंठ जाने का समय नहीं। बोले भैया ठाकुर तो सही बता रहे थे, तो कोई भी जाने के लिए तैयारी नहीं। अभी जिसको पूछा कोई भी जाने के लिए तैयारी नहीं, अब लोग अंदर में कोई तैयारी हो? अब सही से झूठ मत कहा करो, नहीं तो पाप लगेगा। सचमुच से अगर रथ अभी आ जाए, वैकुंठ अभी नारद सचमुच से आ जाए लेने के लिए, कौन जाने के लिए तैयारी? अब हाथ उठाओ तो, जो 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 लोग हाथ उठाए ना, सचमुच से नारद आ जाए तो सबके सब भागते हुए खड़े। बोले भैया अभी बच्चे छोटे, पति को कौन रोटी बना कर खिलाएगी? ये कहते भाई एक व्यक्ति भी यहाँ मिलेगा नहीं, सब भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, इसलिए कोई चिंता मत करो,
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने देखा घर को सामने एक 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा, 80 साल हो गया जरूर जाएगा। बोले भैया तेरा नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जो मिले पकड़ करके ले आओ बैकुंठ। बैकुंठ खाली बैकुंठ चलोगे? बोले देखो जाने का तो इच्छा है लेकिन एक काम अभी बाकी रह गई। बोले कौन सा काम? बोले बेटा का तो सगाई हो गई, अभी शादी नहीं हुई, बस शादी हो जाए फिर तो सीधा चलूंगा। नारद जी ने देखा कोई तो जाने के लिए हाँ भरा नहीं, कम से कम एक व्यक्ति ने हाँ भरा जाने के लिए। नारद तो पीछे पड़ गई उसको। बोले कब आऊं बताओ? बोले बेटा का सगाई होगी, अभी अभी शादी होने वाली, जल्दी आना। बोले ठीक है। नारद जी कुछ दिन बाद में आए। बोले क्यों कैलाश? बेटा का शादी हो गई। बोले बाबा आपका आशीर्वाद से बढ़िया से शादी हो गई, घर में इतने बढ़िया बहू आई, घर का सारे काम काज कर लेती हैं, सवेरे उठ करके चरण छूती हैं, गर्म गर्म रोटी चाय पानी गर्म पानी देती हैं, बहुत अच्छी बहू आई है। इसलिए बोले फिर चलो बैकुंठ चलो। बोले बाबा मैंने सुना है अगर पुत्र का मुंह देखो ना पूत नाम का नरक से उधार होता है, अगर नाती पोती का अगर मुंह देखोगे मैंने सुना बैकुंठ होता है। इसलिए मन में कोई इच्छा नहीं, अभी बहू गर्भवती कुछ दिन ही अंदर में बच्चा हो जन्म लेने वाला, फिर तो मैं सीधा बैकुंठ चलूंगा। अभी नारद जी बोले भैया पहले बोल रहा था बैकुंठ जाने के लिए, जब आया कहता है फिर नाती का मुंह देख करके पुत्रों का मुंह देख करके जाएगा। बोले कम से कम हाथ भरा। फिर नारद जी कुछ दिन बाद में आए, देखा वहां पर है ही नहीं। बेटे से पूछा पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान एक चेला बनने का था वो भी चल बैसा बैठा। उसने देखा ये कहीं नहीं गया है, इसी घर में है। क्यों? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भव भावित। कृष्ण स्वयं कहते, देखो ये कथा को ध्यान देकर सुनो, बड़ी शिक्षा की बात है। कहते अंतिम समय में जो चिंतन करते करते प्राणी शरीर छोड़ता है उसको ठीक वैसे ही जन्म होता है। इसको तो घर में आसक्ति था, ये घर छोड़कर कहीं गया नहीं, इसी घर में कहीं ना कहीं कुत्ता बनकर आया है। सचमुच से ध्यान लगाया तो देखा उसी घर में ही कुत्ता बनकर आया है। कहते ना दाने दाने में खाने वाला का नाम लिखा हुआ, अब किसी कुत्ते को भगाओ सहज में नहीं जाएगा, फिर घूम फिर के वही आएगा। बोले क्यों? घर उसका है, उसने ये घर बनाया, तुम बैठ गया आकर के, दाने दाने का खाने वाले का नाम लिखा हुआ। हाँ इसलिए घर में सामने लिख देते हैं कुत्ते से सावधान हैं, ये कुत्ते से सावधान। इसलिए देखा घर में कुत्ता बन करके आया, तो उसने पूछा उसको भैया तेरे घर में कोई अच्छे कोई जानवर आया? बोले हाँ गुरुजी इतने बढ़िया कुत्ता आया, रात भर सोता नहीं, मैं तो रात भर सो जाता हूँ, रात भर पहरा देता है, एक व्यक्ति को यहाँ फटकने भी नहीं देता। उसको ध्यान लगाया, बोले उसको पिता ही बनकर कुत्ता आया है, हैं? क्योंकि उसने कमाया धमाया ना। देखो ये चीज को याद रखो, जहां तुम्हारी आसक्ति रहेगी वहीं फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भरत महाराज जी भजन करने के लिए गए सब छोड़ करके, हिरण प्रति आसक्ति हुए तो दूसरे जीवन में हिरण बन करके आए। इसलिए संसार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कुत्ते से बोले चलोगे वैकुंठ? अभी तो हो गया। बोले बाबा क्या बताऊं, ये बेटा इतने नालायक, ये जो घर मकान मैंने बना कर गया था हैं, मैंने बना कर गया था, और ये क्या करता है, ये रात को सो जाता है, कौन क्या उठा कर ले जाएगा उसको ध्यान नहीं रहता, इसलिए रात भर भो भो करते करते इसको मैं पहरा धरा देता। बोले हे भगवान क्या आसक्ति। बोले भैया कब बैकुंठ चलोगे? बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए, कुछ दिन बाद में फिर आता है कुत्ता मर जाता है। बोले फिर गया कहाँ? ध्यान लगाया घर में बैल बनकर खेती करता है, उसको बेटा उसको खेती करवाता है। बोले कब चलोगे बेटा? अभी तो बैल बन गया। बोले गुरुजी ये जो जमीनी जगह तो देख रहे ना, इसको मैं नहीं कमाया था, कितना कष्ट करके कमाया था मेरे को पता है, और ये नालायक खेती करता नहीं छोड़ देता है, इसलिए उसको जोर जबरदस्ती लेकर खेती करवाना पड़ता है। बोले देखो क्या आसक्ति संसार में। बोले कब चलोगे? बोले बच्चा तेरा होनहार हो जाए। कुछ दिन बाद में आया, देखा बैल भी मर जाता है। ध्यान लगाया गया कहाँ? आपको पता होगा पहले पहले लोग
अपना जो सोना चांदी होता था कलसी में रख करके अपना बगीचा में गाड़ देते थे क्यों चोरी नहीं हो जाए, लेकिन उसने गाड़ कर रखा था, लेकिन कहाँ रखा था उसको ही याद है। उसको ऊपर में काला सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को फटकने नहीं देता वहां पर। नारद जी ने देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा होने वाले नहीं, उसको पीछे मैंने तीन जन्म अभी भटक गया, अभी भी संसार का आसक्ति नहीं जाता है। उसको बेटे को बुलाया, बोले डंडा लेकर कहा, बोले क्यों, बोले तेरे पिताजी कुछ सोने चांदी को कलश में गाड़ करके रखा है, उसको ऊपर में काला सर्प बैठा हुआ, देख बेटा वो सांप को मारना नहीं कमर तोड़ देना केवल। ओ लेकर के डंडा लेकर के आया और अपना पिताजी की कमर ऊपर मारे जोर से और पिताजी का कमर ही तोड़ दिया। अब देखना सांप की कमर टूट जाए ना भाग नहीं सकता है, बोले उसको फेंको गड्ढा खोदो। खोदा तो सचमुच से वहां पर एक कलसी निकला जिसमें सोने चांदी की मोहर थी। जब उसको बेटा ले जा रहा था वो सांप ने उसको रखा था, उसने रखा था, आसक्ति थी, वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था इतने कमाई मेरा बेटा ले जा रहा है। देखो क्या आसक्ति है, हैं क्या आसक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो ना थोड़ा हरिनाम कर, बोले नहीं परिवार के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाओ ना। हमारे गुरु जी कहते थे पैसा कमा करके मत रखो, बच्चा अगर होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर होनहार नहीं होगा ना जितने पैसा कमा करके जा रहे हो दारू जुआ शराब पी करके सारे पैसा को बर्बाद करेगा। किसके बेटा ज्यादा बदमाशी होते हैं, किसके बेटा ज्यादा बिगड़ते हैं, जिसके पिता जितने ज्यादा पैसा बच्चों के लिए रख कर गया वही बच्चा उतना ही बिगड़ता है। उसको पता नहीं ना पिता कितना कष्ट करके कमाया, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बेटा ज्यादा पैसा बच्चों के लिए मत रख करके जाओ बर्बाद बनेंगे। हमारे गुरु जी कहते थे ये धन का कमाओ, प्रभु का नाम रूपी धन कमाओ, जो इसी जीवन में मालिक तू बनोगे और अगली जीवन का मालिक भी तू ही बनोगे। इसलिए मीरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतने धन पायो। इसलिए आप ये भजन को जानते हो भैया कौन सा धन कमाओ, ठाकुर का नाम धन कमाओ, प्रभु की नाम धन कमाओ। इसलिए मीरा कहती हैं चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन को जितने कमाओगे ना इसी जीवन में भी मालिक बनोगे और अगली जीवन में तुम ही मालिक बनोगे। ये धन को कोई नहीं ले सकते, जन्म जन्मांतर ये धन तुम्हारी पास में रहेगी, लेकिन ये दुनिया की धन आंख बंद करते ही सारे यही खत्म, ठीक है ना। इसलिए नारद जी ने देखा मारे कमर तोड़ दिया पिता की, जब कमर तोड़ दिया नारद जी बोले क्यों कैलाश भजन करोगे अभी, बोले गुरु जी अभी भजन करूंगा, ये नालायक को पीछे तीन जन्म मैंने भटक गया, ये तो खुद सुधरा नहीं, मेरा ही जीवन बर्बाद हो गया उसको पीछे, और लास्ट में मेरा कमर ही तोड़ दिया मेरा बेटा, अभी मैं भजन करूंगा। तब नारद जी मंत्र पूत करके पानी छिड़काव करवाए, दूसरे जीवन में इंसान बन करके आया। नारद जी फिर मंत्र दे करके वैकुंठ लेकर गए, ठाकुर जी बोले क्यों नारद जी कितने कितने लोग को लेकर के आ गए, बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, एक जीव भी यहाँ माया छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, इसका पीछे तो चार जन्म मैंने भटक गया तभी इसको किसी तरह से लेकर के यहाँ आया हूँ, किसी तरह से लेकर के आया, ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती। इसलिए नारद जी समझा रहे हैं व्यास देव को, बोले व्यास देव ये बुढ़ापा में जो कहते हो ना भक्ति करोगे इतने आसानी नहीं बुढ़ापा में भक्ति करना, इसलिए शास्त्र में बताओ भक्ति बचपन से करो, भक्ति बचपन से क्या करो, बचपन से जो आदत डालोगे वही आदत ही अंतिम समय तक वही रहेगी। अभी तुम श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, इसी से ही जीव का कल्याण होगा।
तब श्री उनकी उपदेश पा करके व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए संपूर्ण गोलक वृंदावन को उन्होंने देखा। गोलक वृंदावन को देख करके उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की। बोले ग्रंथ तो बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन ये ग्रंथ हम पढ़ाएंगे किसी को? लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी के लिए बनाया था वो तो बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए। उनकी चार ही चेले थे। बोले देखो चेले, मेरे एक तोता था कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको ला सकते हो? बोले गुरुजी बहुत सारी तोते जंगल में, हमें क्या पता आपका तोता कैसा होगा। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आएगा समझना वही मेरे तोता। तो उन्होंने पहला चेले को सिखा दिए, बोले बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कभिषयम वैजयंती च मालां रंध्रान भेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविश्वस्तत गीत कीर्ति। ये श्लोक में बताए हमारे जो बांके बिहारी कितने सुंदर हैं। कभी कभी गोपियां कन्हैया को ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। तू इतने सुंदर हो, अगर लाली होता है ना दुनिया में जितने क्षत्रिय आपस में युद्ध करके आप सबके से मर जाते तेरे लिए। अच्छा हुआ लाली नहीं बना कर लाला तेरे को लाला बना दिया। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर, इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कहते हैं कि अगर आपका नाचना नहीं आता है तो दोनों हाथ उठा के ताली सेवा सभी जरूर करें, और जिन पर नाचना आता है वो ठाकुर जी के दरबार में अवश्य नाचें। नाचने में संकोच ना करें। देखो इस जीवन में जो ठाकुर के सामने नहीं नाचेगा ना किसको भोग के सामने नाचना पड़ेगा।
नहीं तो किसको खसम को सामने नाचना पड़ेगा, नहीं तो किसको अपना सांस को सामने नाचना पड़ेगा, नहीं तो पैसा को सामने, नहीं तो 84 लाख जोन में तो नाचना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि ठाकुर जी के दरबार में आप सभी लोग नाचे बड़े भाव से करेंगे। जिसका मन लटा बटा होगा ना वो तो जरूर नाचेगा, और जिसका मन लटा बटा होगा नहीं वो चुपचाप बैठेगा। हम देखेंगे किसका मन लटा बटा होगा। Thank you.
हरि पानी को घड़ा पानी को घड़ा हरि मन में घटा घटा कृष्ण की सुंदरता को उन्होंने सुनी, सुनते ही सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके बाहर निकल करके आ गई और इनको प्रश्न किया, भैया तुमको ये श्लोक मिला कहाँ से? बोले हमारे गुरुजी ने ये इस श्लोक सिखाए हमें। बोले मेरी कहीं एक तोता उड़ते हुए चला गया, तोते को पकड़ करके ला दो। हमने पूछा हमें कैसे पता चलेगा जंगल में बहुत सारे तोते? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आएगा समझना वही मेरा तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। वो तो देखने में बांके बिहारी सुंदर है लेकिन वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पर है? देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर बताए भक्ति करना बांके बिहारी को चाहिए। बोले क्यों बांके बिहारी की जी को क्यों भक्ति करे, और भी तो देवा देवी है ना, उनकी क्यों नहीं करे, बांके बिहारी जी को क्यों करनी चाहिए? ये चीज को अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो। इसी जगत में देखो, आप किसी लड़की को किसी लड़के से शादी देना चाहते हो, देखना सबसे पहले भले ही कुछ मत देखो, वो देखोगे पहले वो देखने में कैसे, उसका पर्सनालिटी कैसे है। अगर लड़का सुंदर हो ना, बोले वाह बेटा का पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, भले ही कोई मत देखो। इसलिए जगत में सबसे सुंदर कौन है? हमारी बांके बिहारी। इनसे जैसे सुंदर जगत में कोई है ही नहीं, इसलिए इनका एक नाम मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, विश्व ब्रह्मांड कामदेव पागल बना करके रखा, लेकिन अगर कामदेव का अगर कोई मोहन करने वाले, मदन को अगर कोई मोहन करने वाले है ना, हमारे श्री मदन मोहन श्री बांके बिहारी। इतना सुंदर जगत में कोई नहीं, कृष्ण जितने सुंदर हैं, हैं पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर क्या देखोगे,
ठीक है बेटा बड़ा सुंदर है, भैया कोई कमाता धमाता कि नहीं है, इस नहीं लड़की को शादी देंगे लड़की भूखे तो नहीं रह जाएगी। पूछो कि भैया कमाता धमाता कि नहीं, दूसरा चेला ने प्रश्न किया रहता है कहाँ पर, कोई काम धाम करता कि नहीं, बोले रहता है कहाँ पर मुझे पता है, बोले कहाँ पर, बोले वृंदावन में, वो रहता है वृंदावन में। जयतीते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, जहाँ पर लक्ष्मी क्रीड़ा करती हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, जहाँ की भूमि चिंतामणि, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष है, पानी नहीं जहाँ पर अमृत है, हैं एक लक्ष्मी नहीं जहाँ पर करोड़ लक्ष्मी जहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। अगर लड़की को शादी दोगे ना वो ठाड़ बाड़ में रहेगी, एकदम रानी बन करके रहेगी। अभी तीसरा प्रश्न है, बोले उसका परिवार कैसे है, बोले परिवार, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल उसको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद दे, बोले मैया का नाम यशोदा, बोले यशोदा मतलब सबको जो जस दे, बोले भैया का नाम, बोले दाऊ दयाल, दाऊ दयाल, बोले वाह परिवार तो बड़ा बढ़िया परिवार है। अगर बेटी जाएगी तो अपना घर जैसे रहेगी। अभी तीन चीज तो बढ़िया हो गया, देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लड़का देखने में सुंदर, पैसा की कमी नहीं, परिवार सुंदर, अभी जो चौथा गुण है उसका स्वभाव कैसे है। ऐसे नहीं बेटी को शादी दिए, बेटा दिन भर शराब पी करके पड़ा रहता है, बात बात पर पिटाई करता है, हैं? अगर ऐसे करेगा तो फिर आप बेटी थोड़ी दोगे, भले ही जितने सुंदर देखने में क्यों हो नहीं दोगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक का तो नौकरी कर ही रहा हूँ, किसकी ब्रह्म की, अभी इसकी नौकरी छोड़ करके बांके बिहारी की नौकरी करूंगा, ऐसे नहीं बात में मेरे को ठोकर तो मार नहीं देगे बांके बिहारी। देखो चौथा चेला ने क्या बताए, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाब्दी, बोले बांके बिहारी इतने दयालु इतने कृपालु बांके बिहारी, पुतना मारने के लिए गई थी जहर लेकर के कृष्ण को, लेकिन ये हमारे कन्हैया ऐसे हैं, गुण अवगुण प्रभु देखो ना कहूं, ठाकुर जी किसके बुरे गुण के प्रति नजर ही नहीं देते हैं। और आंखों से ती जहर लेकर गई थी बच्चियों को खून पीने वाली, लेकिन ठाकुर जी उसका अपगुण का प्रति नजर नहीं दिया, वो जो माँ की रूप धारण करके गई थी एक सेकंड के लिए उन्होंने माँ की प्रेम दिखाई। बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार देनी चाहिए। ठाकुर जी इतने में ही रीझ गए और उनको गोलोक वृंदावन दे दिया, ठाकुर जी उनको अपना धाम दे दिया। अगर उनको भक्ति पूर्वक अगर थोड़ी सी कोई भक्ति करे फिर बांके बिहारी क्या नहीं देंगे। सुखदेव गोस्वामी सुनकर तो पागल हो गए, दोनों हाथ को उठा दिया, बोले ऐसे बांके बिहारी को छोड़ करके और हम किसको भजन करेंगे। देखो ये बांके बिहारी भजन करने का फल, लेकिन अगर किसी देवा देवी को पूजा कर रहे हो, अगर थोड़ी सी लेने में देने में थोड़ी सी इधर उधर हो गया, तुम्हारी पूजा सेवा में थोड़ी सी कोई भूल भटका, थोड़ी सी त्रुटि विचित हो गया ना, वो देवा देवी वो जो पूजा कर रहे हो इतना दिन से वो छोड़ेगा नहीं, उसका झट उल्टा रिएक्शन होगा, एकदम उल्टा रिएक्शन होगी, पूरा के पूरा उल्टा रिएक्शन होगी, तुम्हारी गुण देखेगा नहीं तुम्हारी दोष देखेगी। लेकिन कृष्ण वो हमारी दोष नहीं देखेगी, वो केवल हमारी गुण देखेंगे। बोले क्यों, वो हमारी तमैव माता च पिता तमैव। अगर बेटा अगर मैया की गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया फेंक देती है बच्चे को, साफ सुथरा करती है। इसलिए हमारी जो पिता माता ये बांके बिहारी कृष्ण ही, अगर थोड़ी गलती होगा ना ठाकुर वो गलती भी को नहीं देखेगा, तुम्हारी गुण को देखेगा। इसलिए यहाँ भागवत कहता है भैया भक्ति करना तो कन्या की करो और किसको मत करो, मना कर देती है, मना कर देती है, कर तो केवल कृष्ण को ही भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी सब छोड़ करके आए और श्री व्यास देव पूरी की पूरी उन्होंने भागवत ग्रंथ को उनको पढ़ाया। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। कोई जय कोई है कह रहे हो, जोर से बोलो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
देखो ये जो कथा सुना आप लोगों ने, भागवत का भक्ता की कथा। बोले भैया भागवत का श्रोता कौन? बोले परीक्षित है। अब ये महाभारत को मोड़ ले रहा है, ये महाभारत की मोड़ ले रहा है। देखो केवल कुरु पांडव में युद्ध हुआ था ऐसे नहीं, हमारी घर में भी युद्ध हो रही है, हमारे घर में भी युद्ध हो रही है। ये जो कुरु पांडवों का युद्ध होने का कारण क्या, देखो अच्छा तरह से सुनो, ये दो कारण से ये युद्ध हुई है। कितना कारण से, कितना कारण से महाभारत हुई? दो कारण है। पहला कारण है हमारी द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा को चलाया, इसलिए गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुली में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथों में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बता सकते हो किसी में हड्डी नहीं? जोर से बोला हाँ। इसलिए हर समय लपर 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 करता है, वो चुप बैठता नहीं, देखना कभी चुप नहीं बैठेगा, वो हर समय कुछ बोलना चाहेगा। इसलिए महाभारत का कारण यही है, है? केवल यही, शकुन नहीं, दुर्योधन नहीं, कोई नहीं। अब सही सही देखोगे जिस समय पंच पांडव ने हैं उन्होंने अपना राजमहल बनाया खंडर प्रस्थ को, इतने सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, सारा दुनिया में टहलका मची गई, क्या सुंदर खंड प्रस्थ को उन्होंने राजमहल मैदान में बनाया। जैसे पानी में लगता था जैसे स्थल है, लेकिन स्थल में लगता था जल है। दुर्योधन भी देखने के लिए गया कैसे बनाए, इतने में जब जा रहे थे वो ऐसे लग रहा था स्थल था, लेकिन लग रहा था जैसे पानी। जब उन्होंने गए ना, उसने अपना पूरा कपड़ा को उठा दिया, कपड़ा को उठा दिया तो देखा वहां पर पानी नहीं, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए वहां पर एक दासी खड़ी थी, उन्होंने बोले दुर्योधन थी आगे मत बढ़ो वो पानी, बोले हमारे साथ में हंसी दिलाई कर रहे हो पानी, लेकिन वहां पर गया तो सचमुच से पानी था और दुर्योधन धड़ांग करके गिरा। सामने खड़ी हुई थी द्रौपदी, द्रौपदी इतनी सी बोल दी अंधा का बेटा अंधा होता है, अंधा का बेटा अंधा होता है, इतना बोल दी। दुर्योधन को इतना क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, इसका मजा चखाऊंगा। इसलिए उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश की, और भीमसेन को इतना क्रोध आया, बोले जिस जंघे के ऊपर में तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते घोर युद्ध में, तेरे जंघे तोड़ दूंगा। दुशासन को बोला जिस हाथ से तुमने पांचाल की केस को पकड़े एक दिन, वो हाथ को उखाड़ करके फेंक दूंगा। इतना क्रोध आया और पूरा महाभारत हो गई। देखो कभी रामायण क्यों हुई, मैया सीता ने भी छोटी सी जीवा को चला दी। सीता जी ने लक्ष्मण की इतनी सी बात बता दी, जब मारीच को पकड़ने के लिए प्रभु राम गए, लक्ष्मण को बोले देख लक्ष्मण तू कभी भी सीता को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि जंगल में राक्षस लोग गए। अभी वो मारी जी को पीछे चले गए, लेकिन जब उसको बाण मारा वो था राक्षस था, इतने में बोले भैया लक्ष्मण। सीता बोले अपने सुना तेरे भैया राम के ऊपर में कोई विपद पड़ी है। लक्ष्मण को बताया राम भगवान उनके ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती। बोले मैं नहीं जा सकता, भैया का आज्ञा है। सीता बोली मैं समझ गई हूँ तुमने साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे, लेकिन जो लक्ष्मण कभी भी सीता के चरण के सिवाय कभी मुंह में नजर नहीं दिया, जिसको अपना माँ मानते था, अगर माँ अगर ऐसे बोलेगा वो सहन कर सकता है? इसलिए उन्होंने क्या की मजबूरी से, बोले जीवन में पहला बार मैंने प्रभु राम का आदेश को उल्लंघन कर रहा हूँ। बोले देख माता एक काम करियो, मैं ये लक्ष्मण रेखा काट करके जा रहा हूँ, आप इसको कभी पार नहीं करना। बोले कोई चिंता मत करो। देखो सीता ने दो काम गलती की, वो तो कभी गलती कर नहीं सकते, लक्ष्मी है, माताओं को सिखा देती है, माता ही ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर तो कभी लक्ष्मण रेखा को हमें पार मत करो, लक्ष्मण रेखा मतलब अपना मर्यादा को कभी उल्लंघन मत करो, अगर करोगे ना रावण फिर उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे रावण तो त्रेता युग में था, बोले रावण एक रावण त्रेता युग में, अभी घर घर में रावण हो गए। आप मानते कि नहीं घर घर में रावण है, घर घर में रावण हो गए। अगर कोई उल्टा पुल्टा कर मर्यादा रेखा को पार करोगे ना, वो रावण तुम्हें उठा करके ले जाएगा लंका में। इसलिए कभी मर्यादा रेखा को पार मत करो, और कभी जीवा को मत चलाया करो। उसने जो इतनी सी बात बोली द्रौपदी ने, देखना घर में क्यों लड़ाई होती है, इसलिए घर घर में लड़ाई, भाई भाई में, बहू बहू में क्यों लड़ाई है, यही है। थोड़ी सी जीवा तुम्हारी स्लिप हो गया,
थोड़ा खिसक स्लीप हो गया और कुछ नहीं, फिसल गई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जीवा से एक बात निकल गया। बस रात भर पति को कान में मंत्र देती रहेगी, अपने सुना उसने क्या बोल रहा था, उसने तुम्हारा क्या बोल रहा था, करते 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 भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, फिर तो घर में हमारी महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए पहला नंबर है माताओं को सावधान करा देती हैं। अगर ये घर को देखो, स्त्री या घर की कौन लक्ष्मी, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। इसलिए अगर आप लोग अगर घर को संभाल सकते हो, आप ही संभाल सकते हो। अगर आप घर में सही रहोगे ना, तुम्हारी घर भी सुरक्षित रहेगा, घर भी तुम्हारी सुरक्षित रहेगा, घर भगवान का धाम बन जाएगा घर, हैं? इसलिए। और दूसरा, दुर्योधन क्या चाहता था, ये संपत्ति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। घर में भी इसलिए लड़ाई होता है, घर में इसलिए, और किसी भैया के ऊपर संपत्ति जरूरत देने अधिकार नहीं, सारे संपत्ति मैं ही हड़प लूंगा, इसलिए देखना घर में इसलिए लड़ाई। ये जीवा और सारे संपत्ति, भाई भाई में लड़ाई, इसलिए यही कारण है। अगर ये दो चीज को अगर सही रखेंगे तो हमारा घर नहीं, हमारी घर भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जिस समय ये परीक्षित महाराज उत्तरा को गर्भ में था, इतने में अस्वस्थ ने सोचा पांडव वंश को निर्वंश कर दूंगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। पंच पांडव तो अपना अपना अस्त्र को रोक लिए। इतने में ये उत्तरा भागते भागते कृष्ण शरण में गई। बोले प्रभु, मैं अपना लिए कोई चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है ना, उसी के लिए चिंता करता हूँ, आप इसको बचाओ। इतने में कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने चक्र को, गदा को द्वारा ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाए। जब उन्होंने जन्म हुए गर्भ में ठाकुर को दर्शन किया था, इसलिए सब व्यक्ति को परीक्षा कर रहा था, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं, इसलिए परीक्षा कर रहे थे। इसलिए इनका नाम पड़ गया, श्री परीक्षित महाराज पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देखो कल है भागवत का चौथा दिन है, चौथा दिन में ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते हैं। कल भगवान कृष्ण कन्हैया जन्म लेने वाले, इसलिए जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी वो छः छः महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएगी। इसलिए कल हमारे भगवान कल जन्म लेने वाले, ठाकुर जी कल जन्म लेने वाले हैं। जितने माताएं हैं ना, सब के सब गोपी भाव से आना। कौन सा भाव से आओगे, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी ना केवल भाव को ग्रहण करने वाले, और मैया जसोदा की गोपी भाव से आना, और 84 गज की लहंगा पहन करके। घर में लहंगा है कि नहीं, घर में है, किसको घर में लहंगा है। देखो ठाकुर जी आ रहे हैं ना, देखना शादी में कितने बढ़िया कपड़ा पहन पहन जाते हो। कल स्वयं ठाकुर जी आएंगे आपके आलमारी पेटेरा में, जितने शादी का समय का जितने लहंगा चुदरी, सब साड़ी को निकालना, सब खराब हो रहा है वहां पर, इसलिए उसको सब निकाल करके सबके सब पीले पीले रंग के, कौन सा रंग के, पीला रंग के सबके सब, कोई और रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहीं से उधार करके पहनना। लेकिन पहन करके आना कौन सा रंग की, नहीं भैया कोई भी रंग हो, लेकिन कोशिश करना जैसे पीला रंग पहन करके आने के लिए, और एकदम सज धज करके आना। लेकिन एक काम करियो, कोई सोने की कोई चीज मत पहना करके आना, आपको सावधान कर देता हूँ, ठीक है ना। कोशिश करना कोई सोने की दूसरे चीज को पहन करके आना, कोई सोने की कोई चेन फैन कोई पहन करके मत आओ, फिर चेन तो पहन करके आओगे नहीं, फिर बेचैन से होकर जाओगे यहाँ से। इसलिए हम बहुत सारी जगह में जाता हूँ, वो सोने इसी समय में पुतना कभी कभी आ जाती है बीच में, और कल ही पुतना आएगी देखना, अभी आज पुतना नहीं आती होगी, आई होगी, कल ही पुतना आएगी, इसलिए पुतनाओं से सावधान है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी सोने की चेन पहन कर मत आओ, अगर कोई पहन करके आओ तो सावधान रखना। हाँ, बाद में बोलना नहीं कथा हुई और सोने की चेन हमारी चली गई और यहाँ से बेचैन होकर जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना थोड़ी सी। इसलिए कल एकदम सुंदर श्रृंगार करके, और ये कथा है ना, ये आप सबकी कथा है, आप लोग सब मिलकर के कथा करा रहे हो, ये कथा सबकी कथा है। इसलिए कल जब आओ खाली हाथों से नहीं आना,
पहले जरूर कुछ ना कुछ लेकर के आना, टपी हो, बतासा हो, जैसे मखोने हो, जैसे लुटाते हैं ना, हाँ खिलौना हो, जैसे बच्चे के बर्थडे में आप बहुत कुछ करते हो। कल असली आपका बेटा जन्म लेने वाला झुंझुना हो, हमारा झुंझुना, हाँ झुंझुना हो, हाँ टबी का पैकेट हो, इसलिए कुछ ना कुछ लेकर के आना। कल यहाँ पर बड़े धूमधाम से बिस्कुट टॉफी के पैकेट ले ला सकते हैं। बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। हाँ देखो देखो, कल एक विशेष तिथि, क्या जानते हो कल क्या? बोलो क्या कल है? एकादशी। कहते अगर भागवत के अंदर में एकादशी आ गई ना, समझो उसमें चार चांद लग गई है। बड़े भाग्य से कथा को बीच में एकादशी आती है, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ में जैसे कोई सोमवार करते हैं, कोई मंगलवार करते हैं, कोई शनिवार करते, भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है। व्यासदेव ने कोई व्रत का नाम नहीं लिखे, लेकिन व्यासदेव ने जितने व्रत व्यासदेव ने बताए, लेकिन ये भागवत में नहीं लिखे। क्यों? उन्होंने ये सारे व्रत को पहले वर्णना कर चुके थे, लेकिन उनमें उनकी शांति नहीं मिली है, उनको शांति उसमें नहीं मिली, इसलिए लास्ट में उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखी, जिसमें उन्होंने एकादशी की कथा महिमा लिखी, जिसमें मैया जसोदा नंद एकादशी रखते थे। कोई कहते हैं ना, अरे एकादशी तो जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गई वही रखेंगे हैं, जो विधवा वही रखेगी, नहीं। भागवत में कल हम सुनाएंगे श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, उनकी पत्नी मथुरा में एकादशी व्रत रखते थे। ये पंच पांडव, जो सबसे बड़ी जो एकादशी, ये पांडवा निर्जला एकादशी है सबसे बड़ी, जिसमें कुंती द्रौपदी पंच पांडव जो एकादशी व्रत को रखते थे। पुराण में आता है ये रुक्मिणी सत्यभामा ने एकादशी व्रत रखती थी, इसलिए उन्होंने अगली जीवन में कृष्ण उनको पति रूप में मिले, ठाकुर जी पति रूप में मिले हैं, इसलिए जिसको नंद जसोदा ने एकादशी व्रत रखा करती थी। थोड़ी जसोदा विधवा थोड़ी थी, अम्बरीश महाराज की पत्नी थोड़ी विधवा थी, द्रौपदी थोड़ी विधवा थी, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। इसलिए पुराण में बताया, विष्णु पुराण में अष्टाधिक बसाधिका आशीति सिति वत्सर, 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत को जरूर रखनी चाहिए। देखो ध्यान देकर सुनो, एकादशी कल है, आज थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ, फिर आप एकादशी व्रत रखोगे। बता तो कौन कौन एकादशी व्रत करते हो? हाँ करी करी आप लोग एकादशी व्रत, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कुछ माताएं नहीं करती हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, ये एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? ये कल्पतरु व्रत, ध्यान देकर सुनो, कल्पतरु व्रत मतलब होता है जो मांगो वही मिलेगा। अगर आपके पास में एकादशी का कोई किताब हो, आप पढ़ करके देख लेना। ए बच्चों सामने कोई इधर उधर ठीक ठीक से चुपचाप बैठ, मुंह में हाथ लगाकर बैठो, सामने बैठना चुपचाप बैठना। इसलिए एक व्रत का नाम पुत्रदा। अब कल हम सुनेंगे नंद बाबा के घर में पुत्र नहीं था, उन्होंने सारे व्रत रख चुके थे कि बेटा के लिए। एक दिन उन्होंने सोचा, हमने सारे 12 व्रत कर चुके हैं, लेकिन अभी केवल एक व्रत नहीं किया जो पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा मतलब जिनकी पुत्र नहीं, वो एकादशी व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी की, उसी की कृपा से कृष्ण घर में आए। कृष्ण पुत्रदा एकादशी की, इसलिए कृष्ण जन्म हुए। इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा, जो पुत्र को देती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा। अर्णदा मतलब क्या? जिसके घर में अर्ण शस्य की कम है, अगर वो एकादशी व्रत कर रखोगे, आपके घर में अर्ण की माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है, कहते वो एकादशी व्रत रखो, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम विजया। विजया मतलब जो एकादशी व्रत करने पर तुम्हारी विजय विजय प्राप्ति होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब अगर कोई पाप हो, जगत में हम दुख कष्ट क्यों भोग करते हैं, ये पाप का कर्म स्वरूप है। वो एकादशी करने से जीवन का जितने तुम्हारी पाप है, वो सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसका नाम पाप मोचनी एकादशी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा। 15 दिन में एक बार आती है। मोक्षदा मतलब जिसको करने से तुम्हें जन्म मृत्यु की चक्र से चिरकाल के लिए मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इसको नाम मोक्षदा। अब स्वयं पढ़कर देखना, किसी राजा का राज्य चला गया था, एकादशी व्रत किया था, राज्य मिली गई।
किसके घर में बड़े दुख कष्ट था, हैं? दुख नहीं जा रहा था, एकादशी व्रत की घर में शांति सुख आ गई घर में। इसलिए आप पढ़ करके देखना, हर एकादशी का अलग 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 फल है। आप देखना, जैसे इसी जगत में कोई व्यक्ति सालों सालों से बिस्तरा में पड़ा हुआ है, मृत्यु नहीं हो रही है, उसी में पायखाना पेशाब कर रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है। आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, भैया इनकी जल्दी से जल्दी सदगति कैसे होगी? आप देखना, वो कोई बाहर व्रत का नाम नहीं लेगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके उसका फल आप उसको दे सकते हो। केवल एक व्रत का नाम लेगा, किसका व्रत नाम लेगा? एकादशी का नाम लेगा। एक व्यक्ति बड़ा से बुरा कर्म किया, अगर एकादशी का दिन प्राण छोड़ता है ना, बोले भैया बड़ी पुण्यात्मा है, एकादशी का दिन उसने प्राण छोड़ा है, इतने ये एकादशी की इतने महिमा। देखो, मैं विदेश प्रचार करने के लिए जाता हूँ, मैं यूरोप गया था प्रचार करने के लिए। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर में हड्डी था, शरीर में और कुछ नहीं, प्राण गला में अटक रहा था, किसी तरह से प्राण नहीं जाए, और पैसा तो पानी जैसे जा रहा था, बड़ा दुख कष्ट उठा रहा था। जब मैं यूरोप गया था, उनको पता चला भारत से कोई साधु आया है, तो उन्होंने मेरे को बुला करके हॉस्पिटल में ले गए। बोले बाबा, पिताजी का दुख कष्ट देखा नहीं जा रहा है, 2 साल से पड़े हुए ऐसे ही बिस्तरा में अचेत होकर पड़े हुए, प्राण नहीं जा रहे, बताओ उनकी सदगति कैसे होगी। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग पूरा के पूरा परिवार एकादशी व्रत करो, एकादशी व्रत करके संकल्प करके इनका फल दे दो। बोले अभी 10 दिन बाकी बाबा, इनका दुख देखा नहीं जा रहा है। मैंने कहा आप सबके सब संकल्प आज करो, सबका हाथ में मैंने पानी दिया, फूल दिया। बोले संकल्प करो, एक जो एकादशी सामने जो आएगी, हम सबके सब एकादशी अच्छे तरह से व्रत को करेंगे और इसका फल हम इनको देंगे। उन लोगों ने संकल्प किया, 2 घंटा में जब वहां से आ गया ना, 2 घंटा बाद में फोन आया, पिताजी का शरीर छूट गया। इसी नोएडा में एक भक्तों घर में हमने था, इस नोएडा में ये है, किसी भक्तों घर में हम लोगों ने गए थे, किसी भक्तों घर में गए थे, तो उनकी माँ भी ऐसे पड़ी हुई थी सज्जा में, वो बड़े दिनों से प्राण नहीं जा रहा था। बोले इनकी गति कैसे होगी? मैंने कहा एकादशी व्रत करके फल दो, देते ही शरीर छूट गई। वृंदावन में एक ट्रक में गैया की एक्सीडेंट हो गई, उसका हड्डी पसीना हो गया, बड़ा तड़फड़ा रही थी। अमेरिका में हमारे गुरु जी की एक शिष्या थी, उसको कष्ट देकर गुरु जी के पास में आए, बोले गुरु जी बड़ा कष्ट उठा रहा है ये गैया, आप गुरु जी बताओ, बड़ा कष्ट तड़फड़ा रहे हैं। गुरु जी बोले एक काम करो, जाओ वो गैया को कान में बोल दो, मैं एकादशी व्रत करके तुम्हें दूंगा, उसको कान में जाकर के बोल देना। वो बोलते ही प्राण छूट गई उसकी। ये एकादशी व्रत की इतने महिमा, इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं है। व्यासदेव जब ये भागवत ग्रंथ को लिखे, तभी जाकर इनको पूर्ण शांति मिली। इसलिए शास्त्र में बताया, एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और पिता माता हत्या, ये जो 5 तरह का जो सबसे बड़ा पाप है, वो एकादशी का दिन ये अर्ण में रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्ण भोजन करेगा, उसको ये पाप से कभी मुक्ति मिलने वाला नहीं। कहते कोई पाप कर्म कर लो, शास्त्र में बताया अगर ये पाप कर्म करो मुक्ति मिलने का ये रास्ता है, लेकिन एकादशी का दिन अगर कोई अर्ण भोजन करे ना, बोले भैया उसको मुक्ति का कोई उपाय नहीं, तुम्हें भोगतना ही पड़ेगा ये पाप। इतनी जोर जबरदस्ती एकादशी का दिन अर्ण खाने का इतने बड़ी पाप लगता है। इसलिए आप लोग, कल एकादशी है, मैं कल बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कल एकादशी की कथा सुनाऊंगा, बड़े सुंदर सुंदर। कैसे 2 पति पत्नी थे, सवेरे उठते ही तू मैं हो गया, अभी उनको पता ही नहीं था आज एकादशी है, हैं? आज उनको पता ही नहीं आज एकादशी। आप पता होगा, देखना घर में अगर लड़ाई हो जाए ना, दो तीन एकादशी चलती है घर में, दो अगर मान कर गया ना, क्रोध हो गया, पत्नी ने कहा मैं आज भोजन नहीं करूंगा, पत्नी बोली मैं भोजन बनाऊंगी नहीं, तुम खाएगो कैसे, उनको पता ही था आज एकादशी है, वो पूरा निर्जला व्रत हो गया। और निर्जला व्रत हो गया तो अगली जीवन में जाने तो क्या बन करके, और रुक्मांगद महाराज बन करके जन्म हुए, उनकी पत्नी राज रानी बन करके जन्म हुई, अनजान में एक एकादशी व्रत कर लिए। कल ये सब कथा में कल अच्छे तरह से आपको ये सब कथा सुनाऊंगा। इसलिए घर में कोशिश करना, घर में जैसे एकादशी व्रत जरूर करो एकादशी। आप लोग कोशिश करना, देखो माताएं
आपको हाथ में सब कुछ आपको हाथ में है। बच्चे खाना चाहते हैं ना, पति खाना चाहते हैं ना, आप जो ना कुट्टू आटा मिलता है उसमें ये बना कर दे करके आलू मिला करके मिक्स करके बड़े सुंदर उसमें पूरी बनती, बहुत अच्छी पूरी बनती है। पूरी बनाओ, पकौड़ा बनाओ, मखने बनाओ, फल है, दूध दही है, सिंगाड़ा है, बर्फी बना सकते हो। इसलिए बड़े सुंदर आलू की सब्जी बना करके, लेकिन सरसों तेल रिफाइंड तेल नहीं, घी नहीं तो मूंगफली तेल से, ये जैसे व्रत रखते हैं ऐसे इससे बनाना। फिर बच्चों को उसका खाना खिलाओ और इतने बढ़िया खाना खिलाओ बच्चों को, पति को, वो बोले भैया एकादशी कब आएगा। हमारे मंदिर में ना बाबा लोग तो सोचते भैया एकादशी अभी आ नहीं रहा है, एकादशी कब आएगा। फ्रूट क्रीम बना देते हैं, बड़े सुंदर फल, मखना, मूंगफली और बड़े सुंदर पूरी और इतने बढ़िया आलू दम सब्जी बनाते हैं ना। आप कभी हम मंदिर में आओ, प्रसाद पाकर देखना कैसे कहते भैया एकादशी कब आएगा, एकादशी कब आएगा। इसलिए आपको हाथों में ये सब कुछ माताओं के हाथों में, ऐसे पतियों को उनको मत बना करो एकादशी है, हाँ सारे फल मूल खा सकते हैं उनको। जैसे चावल में जितने सारी चीज इसको नहीं बनाना, गेहूं में जो जितने चीजें आटा फाटा जितने सूजी भूजी उसमें नहीं बनानी चाहिए, सरसों नहीं खानी चाहिए, जितने दाल इस सब चीज को नहीं खानी चाहिए। जैसे आप लोग 9 दिन तक व्रत रखते हो, 9 दिन तक व्रत रखते हैं ना नवरात्रि, 9 दिन तक पूरा एकादशी का व्रत रखते हो, इसलिए 15 दिन में केवल एक बार एकादशी आती 15 दिन में, ठीक है। इसलिए कोशिश करना 15 दिन में जरूर एकादशी रखो। कल बड़ी अच्छी अच्छी मैं कथा आपको सुनाऊंगा। बोले श्री एकादशी तिथि की जय, बोले श्री एकादशी महारानी की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ आसो, अभी भागवत, अभी देखो कथा को बीच में नहीं जाना है, कथा को बीच में जो उठेगा उसको पाप लगेगा। हम कोशिश करेंगे 6 बजे कथा को विश्राम दे देंगे, 6 से आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 6 बजे तक ठीक से, 6 बजे तक ठीक से बैठो और 6 बजे तक कथा सुनना। हाँ अभी हम भागवत में आते हैं। बोले अभी कृष्ण अभी हस्तिनापुर में, बड़ा दिन हो गया हस्तिनापुर में। एक दिन मैया कुंती आकर के भगवान को स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नम। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही थी कुंती मैया। इतने में कृष्ण ने कहा, बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगा बह रहे हो, हैं? कहा मैं भाती जा, मेरे को स्तुति करनी चाहिए, मेरे को स्तुति करनी चाहिए, आप तो उल्टा स्तुति कर रहे हो, हैं? ए बच्चा तू क्या कर रहे हो, उसको भगा तू यहां से। इसलिए तुम तो आज उल्टा स्तुति कर रहे हो। बोलो प्रभु यही तो तेरी माया है, किसको बुआ बना दिया, किसको पिता, किसका भाई बना दिए, हैं? और सारा दुनिया को पागल बना करके तू रखे हो। इसलिए बोले बुआ जी जब आज इतने स्तुति कर रहे हो, जो इच्छा आज तू जी भर करे मेरे से मांग लो। देखो मैया कुंती भगवान से क्या मांगती हैं? बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले प्रभु अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया तो मेरे को संपत्ति चाहती है, तो विपत्ति क्यों चाह रही हो? बोले कन्हैया कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरण करे दुख काहे को आए। आप लोग बताओ, आपसे एक प्रश्न करता हूं, दुख में ज्यादा भगवान को याद करते हो ना सुख में ज्यादा करते हो? बोलो जोर से, सुख में करते हो ना दुख में करते हो? दुख में करते हैं, हैं? इसलिए मैया कुंती कहती है प्रभु जगत में 4 तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा। बोले कौन कौन? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, जिसको ऊंचाई कुल में जन्म हो जाए ना बड़ा अभिमान हो जाता है, अरे हमने त्रिवेदी चतुर्वेदी चक्रवर्ती हम फलाना ढिकाना, हम तो इतने बड़े परिवार में जन्म हुए। अगर किसको पास में ज्यादा पैसा हो गया वो भजन में नहीं आएगा, रोज शराब पे नहीं जाएगा, हैं? अड्डा मारेगा शराब,
अड्डा में और क्लब में जाएगा, लेकिन उनको भागवत कथा में देखने को नहीं मिलेगी। सारे उल्टा पुल्टा संगत में देखना बैठे हुए होंगे। ये मैया कुंती कह रही है, ज्यादा पैसा जिसको होगा कथा में नहीं आएगा, तेरे भजन में नहीं आएगा, गंदी चीज में उसकी रुचि होगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है पांडित्य। अगर थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए ना, बाबा रे बोले हमने PhD डॉक्टर इंजीनियर किया है, ये उनको भक्ति भक्ति में नहीं मिलेगा। यार दोस्त में देखना उल्टा पुल्टा लड़की बाजी पीछे करते होंगे, उल्टा पुल्टा गंदे काम में उनको देखने को मिलेगा, वो कथा में नहीं मिलेंगे सबके सब। श्री श्री मतलब होता है थोड़ी सी जिसका चमड़ा सुंदर हो जाए, वो हीरो हीरोइन हो जाए, फिर तो देखना किया। कहते प्रभु ये सब लोग तेरे भक्ति नहीं करेंगे सबके सब, इनके अंदर में बड़ा अभिमान आती है, इसलिए मेरे झोली में दुख भर दे, दुख में सुमिरन तेरे सब करें हैं। देखो इसका मतलब क्या, भक्तों को दुखी दुखी आए, कोई प्रश्न करेगा ना, मैया कुंती कहती हैं झोली में दुख भर दो, इसका मतलब भक्तों घर में दुखी दुखी आए, इसका मतलब क्या है? बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है ठाकुर जी के, कुंती कहती है प्रभु तू जिस स्थिति में रखना उस स्थिति में तू रख ले, लेकिन जैसे तेरे को मैं कभी भूलू नहीं, पैसा अगर हो नहीं भी हो किसी स्थिति में हो, हर स्थिति में जैसे तेरे को मैं याद करते रहूं, तेरे को जैसे कभी भूलो नहीं। इसलिए जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, हर समय ठाकुर का नाम जप करते रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान कृष्ण को कहाँ पर द्वारका में, उनको अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गए, लेकिन 7 महीना हो गया अर्जुन वापस नहीं आए। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, इतने में देखा आते हुए अर्जुन को, सारा चेहरा लटका हुआ था। बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले प्रभु ये संसार छोड़ करके चले गए, दुनिया छोड़ करके प्रभु चले गए। इतने में जो मैया कुंती ने देखा कृष्ण ही नहीं रहे, उसी समय प्राण त्याग करती है। पंच पांडव भी श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए सबके सब अपना धाम में चले गए। अभी परीक्षित महाराज राजो तो कर रहे थे, एक दिन उनको बड़े अपशकुन देखने को मिला। जब उन्होंने भ्रमण करने के लिए गए, एक आश्चर्य घटना देखा। देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, देखा एक बैल का 3 प्यार नहीं वो 1 प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो 1 प्यार को भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, और वो विष्टा मूत्र को विसर्जन दे रहा था। परीक्षित महाराज मैयाने से तलवार निकाले, उसको मारने के लिए झपट पड़ बोले तू है कौन? उसको पता ये अर्जुन का वंशधर, कभी शरणागत व्यक्ति को मारते नहीं, सीधा चरण में लेट गए। बोले मैं स्वयं कली हूँ। बोले ये गैया कौन है? बोले पृथ्वी। बोले क्यों रो रही है? बोले अभी कलियुग आएगा, कृष्ण चले गए, अभी कलियुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, ये पाप को कैसे मैं सहन करूं, इसलिए रो रहा है। बोले ये कौन? बोले ये कली। बोले ये कौन? बोले धर्म। बोले इनकी 3 प्यार गया कहाँ, और 1 प्यार में क्यों खड़ा हुआ है, और इनको तुम ये 1 प्यार तोड़ने के लिए क्यों कोशिश कर, बताओ तुम्हारी दुख क्या है? देखो ये धर्म ने बताया, देखो मैं किसको ऊपर दोष दूं, जीव जो भोग करता है अपना कर्म का फल भोग करता है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कभी किसको पर दोष मत लगाया करो, अमुक की वजह से हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, भैया कोई कुछ नहीं करता है, हमने जैसे बीज बोया वैसे ही पेड़ हुआ है। अगर नीम का बीज बोएंगे वहां पर थोड़ी चीकू का वृक्ष आएगा, चीकू का बीज बोएंगे थोड़ी वहां पर अंगूर का वृक्ष आएगा, अंगूर का बीज बोएंगे वहां पर थोड़ी आपेल की थोड़ी वृक्ष आएगी, जैसे बीज बोगे वैसे ही वृक्ष होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कभी किसको पर दोष मत लगाया करो, इसलिए जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का फल समझ करके भोग लो, भोग लो, और क्या करो, भगवान के नाम जप करते रहो। जितने प्रभु का नाम जप करोगे ना उतना तुम्हारे सारे पाप नष्ट होते जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएगी और बढ़िया फल आएगी।
इसलिए ये धर्म ने बताया मैं किसको दोष नहीं दे सकता हूँ, भैया मैं किसी की चुगली नहीं कर सकता हूँ। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, अगर कोई किसी की चुगली करता है इसका क्या फल है, अच्छे तरह से सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आया। बोले भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। इतने में राजा निकला, बोले काम करके खा नहीं सकते, भीख मांगने के लिए आ गए, भीख लोगे? बोले हाँ। उसने घोड़े का जो लीड था ना पायखाना झोली में दे दिया। वो संत हैं, प्रसन्न हैं, उसको लेकर के चले गए। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करते करते जब एक दिन ये संतों की दरबार पर पहुंचा, उसने देखा जो घोड़े का जो लीड था ना एक पहाड़ आकार में। बोले भैया ये घोड़े का लीड ये पहाड़ का आकार में कैसे? देखा वो साधु, बोले बाबा ये क्या है? बोले महाराज आपको याद होगा एक दिन आपका घर में मैंने भिक्षा लेने आया था। बोले हाँ। बोले आप मेरे को भिक्षा रूप में क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। देखो संतों को अगर कोई चीज दोगे वो तो ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, इसलिए संतों को कोई भी चीज दोगे ना वो कभी घटेगी नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। बोले कैसे बढ़ेगी? बोले राम का बाण जैसे बढ़ेगी। राम जब किसी बाण को स्पर्श करते हैं वो एक गुणा होता है, जब निकालते हैं होता है 100, जब चढ़ाते हैं 1000, जब खींचते हैं 1,00,000, जब छोड़ते हैं ये करोड़ गुण बन करके, और जब लगता है किसको ना प्राण को ले जाता है। इसलिए अगर संतों को कोई चीज दोगे कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। बोले मेरे को लीड दिया था ना? बोले हाँ ना। बोले वही लीड संतों को जो चीज दोगे कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, इसलिए बढ़ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा ये लीड, तेरे देश में घोड़े का लीड के बगैर कुछ रह ही नहीं जाएगा, तेरा देश ही घोड़े का लीड लीड बन जाएगा। बोले हे भगवान मैंने तो गड़बड़ी कर दी, संतों के चरण में गिर पड़े। बोले बाबा अपराध हो गया, माफ कर दो, अभी बताओ ये खत्म कैसे होगा? बोले अगर तेरे कोई चुगली करे ना तभी खत्म हो सकता है। बोले बताओ क्या करूं? बोले तुम्हारे घर में एक लड़की है ना शादी के लायक? बोले हाँ। बोले तुम्हारी घर को सामने जो फूल की बगीचा में कुटिया बनाओ, और तुम ना अपना बेटी को अकेला लेकर के रहा करो, देखना पूरा राज्य में तुम्हारी चुगली चुगली होने लग जाएगी। जब राज्य में लोग चुगली करेंगे तेरे जितना पाप सब खत्म हो जाएगा। उसने ऐसे किया तो घर घर में चुगली, जिस घर में जाओ तुमने देखा राजा को क्या कर रहा है, अपना जवानी बेटी को अकेले लेकर के बगीचा में रह रहा है, घर घर में चुगली, राजा इतने अधर्मी इतने दुष्ट। एक दिन वो राजा आया फिर संतों के दरबार में, देखा सारे खत्म लेकिन एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा एक टोकरी बाकी कैसे? बोले तेरे राज्य में सबके सब तो चुगली की लेकिन एक बूढ़ी माता जी वो कभी किसी की चुगली नहीं करती हैं, दिन भर ये माला लेकर के ठाकुर का नाम जप करती हैं, किसकी चुगली नहीं करती, उसकी हिस्सा की बाकी रह गया। अगर वो अगर तुम्हारी चुगली कर देना फिर तो ये खत्म हो जाएगी, अगर वो चुगली नहीं करेगी ये जो एक टोकरी बच गई है ना लीड तेरे को खाना पड़ेगा तभी खत्म होगा। राजा ने क्या की अपना ड्रेस को बदला दिया, साधारण एक बेस बना करके बूढ़ी माता जी के पास में पहुंची। देखा बूढ़ी माता जी आंख बंद करके माला लेकर के एक बार हाथ उठाओ, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जी जीत प्रभु यहाँ इधर आ जा, जीत महाराज जी इधर आ जा। इसलिए उन्होंने देखा माता जी हरि नाम कर रहे हैं, बाबा ये राजा ने अपना ड्रेस बदला करके गए। बोले माता जी तेरे को पता है वो राजा क्या कर रहा है? मतलब वो सोच रहा था वो भी चुगली करेगी, अपना बेटी को लेकर रह रहा है। इतने में वो जो बुढ़िया थी ना वो चीख उठी, बोले दुष्ट राजा मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ जानती हूं, जब वो संत तेरे घर में आया था तुमने घोड़े का लीड दिया ना, मैं किसकी चुगली नहीं करती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ, एक जो टोकरी बच गया ना तेरे को खाना पड़ेगा तेरे को, मैं किसकी चुगली नहीं करती हूँ। राजा तो भग गया वहां से है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ धर्म कह रहा है भैया मैं किसका दोष नहीं दे सकता हूँ,
जिसके भाग्य में जो है वही भोगना पड़ रहा है, इसलिए मैं किसका दोष दूं। वो समझ गई ये धर्म है, ये धर्म है। इसलिए फिर कलयुग को परीक्षित महाराज बोले तू मेरे राज्य से निकल जा। बोले क्यों? अपने सत्य तृतीय द्वापर को स्थान दिया कलयुग, मुझे स्थान देना पड़ेगा। इसलिए बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा तेरा स्थान नहीं। बोले प्रभु कृपा करके स्थान दो। परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि कलयुग में सब गंदी गंदी है, सब पाप है, लेकिन कलयुग में एक ही गुण है। क्या है? बोले कलयुग के बल नाम आधारा, 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 सुमिरि नर उत रहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उत रहि पारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। देखा कलयुग में एक ही धर्म है, अगर थोड़ी सी ठाकुर का कोई नाम जप कर लेना इससे उधार हो जाएगी। कलयुग में ज्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नामकारी बहुधा, भगवान की अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने ठाकुर का नाम। बोले निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, ठाकुर ने सारे शक्ति अपना नाम में दे दिया। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का, सारे शक्ति दे दिया। बोले नियमित स्मरण काल, ठाकुर जी ये नहीं बताए देखो कपिल जब पवित्र अवस्था में मेरे नाम जप करोगे, अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते। ठाकुर ये भी नहीं बताए किसी अवस्था में भी नाम कर सकते हो। देखो ध्यान देकर सुनो भगवान क्या कहते हैं। बोले कलयुग में मैंने इतने सरल उपाय कर दिया, तब भी ये बद्ध जीव तब भी ठाकुर का नाम नहीं जप करते। बैठ करके भले ही उसकी चुगली, बहू की चुगली, सास की चुगली, ननद की चुगली, सारा दुनिया की चुगली कर देगा, बोलेगा भैया एक माला जप करो। बोले मेरे से नहीं होगा, ये माला नहीं कर सकता हूँ। एक बूढ़ी मैया अंतिम समय में पड़ी हुई थी, एक बूढ़ी मैया दयारे मैयारे कह रही थी, बच्चे अच्छे थे। बोले माता जी इतना बात मत करो, थोड़ा राम राम राधे राधे बोलो। लेकिन मैया कह रही थी बेटी को हर साल कुछ ना कुछ देते रहना, वो बेटा को ये देना। बोले माताजी कोई चिंता मत करो, हम देख लेंगे, अभी तुम्हारी अंतिम समय तो राम राम राधे राधे बोलो। बोले इतना मेरे से बोला नहीं जाता, इतना मेरे से बोला नहीं जाता, 12 अक्षर बोल दिया, लेकिन राम राधे 2 अक्षर नहीं निकला। उसका जो पोते थे बड़े चतुर थे, बोले दादी जी तेरे मुँह से क्या नहीं निकला जाता है। ये सोच रहे थे इतना तो बोले कि कम से कम राधे राधे राम नहीं निकलता है। वो कहती है जो बुलवाना चाहता है ना वही नहीं बोल सकती। मतलब ये जो ये भगवान कह रहे हैं, ये इतने कलयुग का जीव, इतने प्रपंची बैठ करके सारा दुनिया की चुगली कर लेंगे, लेकिन बोलो माला लेकर हरिनाम कर नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया अगर ये कलयुग में तुम्हारी उद्धार नहीं होगा ना, दूसरे दूसरे युग में भगवत प्राप्ति की बड़े कठोर साधन है, वो साधन बड़ा कठोर है। कलयुग में सबसे सरल उपाय ठाकुर जी रखे, अगर इसी जीवन में प्रभु का नाम नहीं लिया ना, किसी जीवन में कहते हैं तेरी मुक्ति होने वाले नहीं। और भगवान राम तो कहते हैं देत ईस बिन हेतु सनहि, ठाकुर ने जो मानव शरीर दिया बाई चांस कैसे तुम्हें ये मानव शरीर मिली गई, तुमने कोई पुण्य कर्म से तुम्हें मानव शरीर नहीं मिली। भगवान खुद कहते हैं कोई पुण्य कर्म से नहीं। मेरे तरफ में देखो एक ग्लास पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान नहीं। एक ग्लास पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया जीवाणु उसके अंदर, पृथ्वी में इतने इंसान नहीं। उसी हिसाब से इंसान कितना कुछ भी नहीं। भगवान खुद कहते हैं कुछ भी नहीं ये जीव, इंसान कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान कैसे बाई चांस तुम्हें ये मानव शरीर दे दिया। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानस तन पबा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गवा। कहते देवताओं के लिए भी भारत में और हिंदू घर में
और घोड़े को अंदर में जन्म लेना तो बड़े भाग्यवान को मिलता है, बड़े सौभाग्यवान को ये मानव शरीर हिंदू घर में सनातन धर्म में जन्म मिलता है। देवता लोग भी तरसते हैं, इसलिए ठाकुर जी क्या कहते हैं, भैया ये जीवन को बर्बाद नहीं करके, समय को नष्ट नहीं करके क्या करो, जितना जल्दी हो भगवान की भजन करना शुरू कर दो। देखो कल एकादशी व्रत है, कल एकादशी व्रत है, अगर कल जो एक माला करेगा ना उसको 100 माला करने का फल मिलेगा, इतने महिमा। अगर कल किसकी इच्छा होगा हम हरिनाम ले, इसलिए नियम है जो भगवान का नाम किसी साधु का हाथ से लेनी चाहिए, किसी साधु की हाथ से वैसे करो फल तो मिलेगा, ठाकुर का नाम कभी नष्ट नहीं जाएगा, लेकिन किसी साधु की हाथ से माला लेनी चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ में एक गोली, अगर उसको फेंको ना लगेगा तो है, लेकिन वही गोली को जब बंदूक में लगा करके मारोगे इस पार से उस पार हो जाएगी। मतलब है जब किसी साधु से हम भगवत नाम को ग्रहण करेंगे, ये भगवत नाम हमें भगवान तक पहुंचा देगा, ठाकुर तक ठाकुर जी का नाम है पहुंचा देगा। इसलिए अगर किसी को इच्छा होगा, हम माला जब करना चाहते हैं, हरिनाम लेना चाहते हैं, हमारे 12 सेक्टर बारात घर को सामने हमारी मंदिरी है Q29, अगर वहाँ पर आओगे, वो सुनीति दीदी वहाँ पर है, अगर बोलोगे तो वो ले आएगी, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे भक्त है, अगर बोलोगे तो ये लोग भी ले आएंगे, अगर जो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं आ पाएगा, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे बाबा हम तो पता नहीं यहीं दे दोगे तो ले लूँगा, अगर किसी की इच्छा होगा यहीं कल होगा तो जिसकी इच्छा होगा ले लेना माला, लेकिन कोशिश करना मंदिर में आओगे तो अच्छे तरह से हम समझा करके आपको देंगे। इसलिए उन्होंने कलिजुग को स्थान दे दिया, बोले कहाँ स्थान दिया, 4 जगह पर स्थान दिया। अगर कलिजुग में कोई व्यक्ति केवल 4 नियमों का पालन कर ले और भगवान का नाम ले उधार हो जाएगा। हाँ ध्यान देकर सुनो, वो 4 क्या नियम है, अब ध्यान देकर सुन लो। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है। देखना जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है, झूठ को पर झूठ बोलता है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने सिख्या दिया, देखो मैंने ये जुआ खेल करके मेरे कितना सर्वनाश हुई, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, और 12 साल तक जंगल में भटके, और 1 साल तक विराट राज्य में राजत्व कर दासत्व करना पड़ गया। अगर कोई जुआ खेलेगा ना इतना सर्वनाश हो सकता है, हैं? पहला नंबर जुआ। दूसरा है पानम, पानम का मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये जो गुटखा है ना, जिसने ये गुटखा कंपनी को खोला वो स्वयं कैंसर में मरा है, और खुद तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया। आप बताओ गुटखा का पहला अक्षर क्या बताओ तो, जोर से बोलो गुटखा का पहला अक्षर, जोर से बोलो, ये गुटखा नहीं ये गु है, इसलिए ये फैशन में खाते हैं, कैंसर होता है उससे, बस एक बार कैंसर हो गया ना गया तुम्हारी जीवन गया। अरे खाना तो बढ़िया आजवानी लो, लंग लो, इलाच लो, मुंह में रखो, और ये गुटखा बहुत गंदी चीज में बनती है, उल्टा सीधा चीज में सब चीज बनती है, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। और शराब नहीं पीनी चाहिए, मैंने पहले बताया था ना जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, क्या क्या बोलो, क्या क्या 3 लाभ बोलो। पहला लाभ है उसको घर में चोरी नहीं होगा, दूसरा लाभ वो कोई बूढ़ा नहीं बनेगा, तीसरा लाभ उसके कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले भैया मतलब क्या, पहला नंबर घर में चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो अगर कुछ चीज हो बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर सब उड़ा देगा, फिर चोरी किस चीज की होगी। दूसरा लाभ ध्यान देकर सुना, दूसरा लाभ कोई बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। अभी मैं रसिया से आ रहा हूँ, अभी रसिया से मैं आया 2 तारीख को, हैं 1 तारीख को मैंने आया, वहां पर देखा लड़की ज्यादा, लड़के ज्यादा नहीं है, बूढ़ा को तो कम देखा। मैंने पूछा भैया ये बूढ़े सब कहाँ गए और इतने लड़के क्यों हैं, बोले बाबा यहाँ के लोग शराब पीते हैं, और ये शराब पी 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 कर बचपन से शराब पीते हैं, और नाड़ी फाड़ी एकदम गल फल करके बस कम उम्र में खत्म हो जाते हैं, और इनकी नपुंसकत्व। और बोले जो अमेरिका कभी रसिया को बर्बाद करने के लिए वो बिना पैसा से शराब देता है, बोले क्यों,
जानता है जिस देश का लोग शराब पिएंगे, जिस देश का लोग शराब पिएंगे वो देश नपुंसक तो बन जाएगा, उनके अंदर में ताकत नहीं रहेगी। इसलिए कहते अमेरिका जानबूझ करके बिना पैसा में उसके देश शराब भेजते हैं, यहाँ के लोग ध्वंस हो जाए, यहाँ के धोख बर्बाद हो जाए। इसलिए कुछ दिन पहले कि माता जी मेरे से माला लेने के लिए आई, उम्र थी 30 साल की, उसके साथ में 2 बच्चे थे। मैंने कहा इसके पिताजी कहाँ गए, बात करते करते बोले इसके पिताजी शरीर छोड़ दिया। बोले कैसे, बोले बहुत पीते थे, बहुत पीते थे, लास्ट में देखा उनका सारे लिवर फीवर खत्म, कोई बचने कोई चांस नहीं थी। इसलिए आप लोग भी बच्चों को सावधान रखना, पतियों को भी सावधान रखना, जैसे घर में पिए नहीं, जिस घर में बच्चे पिताजी पीना शुरू कर दिया गया वो घर खत्म, वो घर का भी उन्नति हो ही नहीं सकता वो घर की। इसलिए तीसरा जो लाभ, कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पढ़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह चाट जाएंगे, नहीं तो पेशाब कर जाएंगे। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए धर्म का दूसरा चरण है तपस्या, जो ये सब चीज पिएंगे तपस्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है बोले स्त्रियम, हाँ कहते स्त्रियों को ऊपर में ये कली का निवास, बोले कौन सा स्त्रियों का ऊपर में, बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का संग करता है। संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में घर गृहस्थ बनाओ, बगैर शादी करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर कली का स्थान है जहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कल हम सुनाएंगे प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं। इसलिए हमारे बीच में श्री जीत प्रभु जी, कहाँ है जीत महाराज जी, जीत प्रभु जी आइए, हमारे जीत प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसके बाद में डोरीलाल जी एक भजन गाएंगे, माइक लो सबके सब नाच कूद करके और प्रसाद लेकर के जाना, छह बजा नहीं फटाफट ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो कल है ना कृष्ण जन्म लेंगे, आप लोग टाइम से आ जाना। देखो नियम होता है कथा का, कथा का हम 2 बजे आ जाना, हम 2 बजे एकदम आ जाएं। कथा का नियम है पहले श्रोता उसके बाद में वक्ता है, लेकिन मैंने जब 2:30 बजे करके 2:30 बजे से पहले आ गया, वहाँ पर केवल 5-6 माताएं थी और कोई थी नहीं। जब कहीं सिनेमा हो ना, आप बताओ सिनेमा देखने के लिए पहले जाते हैं ना बीच में जाते हो, बोलो सिनेमा देखने के लिए कब जाते हो, पैसा 10-10.5 घंटा पहले लाइन में लगेंगे, अगर उल्टा पुल्टा जितना होगा ना उतना भीड़ होगी, फिर पैसा दे करके अगर नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में खरीदी करेंगे, फिर लाइन में खड़े रहेंगे, पहले जाकर बैठ जाएंगे, हैं हैं हाँ, धक्के खा मुक्की मुक्की खा करके और उल्टा सीधा चीज को देख करके बुद्धि खराब करके आएंगे, पैसा बुद्धि सब, और यहाँ पर तो जीवन बदल जाएगी तुम्हारी। इसलिए कोशिश करना जल्दी थोड़ी आने के लिए, बोलो बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और मंच पे आसीन पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भक्त लोग आए हैं हमारे ज्येष्ठ गुरुभ्राता डोरीलाल प्रभु जी और कीर्तनकारी भक्त लोग माताएं प्रभु लोग सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देखो एक बात, अभी तो समय हो गया, ज़्यादा चिंता नहीं, 10 मिनट में ही अभी कीर्तन करेंगे आरती करेंगे। बस भागवत का महात्म्य महाराज जी बता रहे हैं
तीन दिनों से भगवान की महिमा, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं और भगवान की कथा भी कितनी शक्तिशाली है, इसकी महिमा हम सुन रहे हैं। फिर भी हम लोग इसको सुनने के लिए, कुछ लोग तो बहुत लोग टाइम से आते, कुछ लोग नहीं आते और कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि समय ज़्यादा हो गया है और हमको जाना है। ये कथा 7 दिन होगी, अभी बस 3 दिन बच रहा है। अभी मेरी सिर्फ एक बात है कहने की, ये जो कथा हो रही है बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए भी आते हैं। क्यों आते हैं? देखो, हमेशा एक छोटा सा उदाहरण मैं बच्चे के लिए देता हूँ, हर कोई व्यक्ति समझ जाएगा। भागवत की महिमा तो बहुत सारी है, पर एक साधारण रूप में आप समझ लो भागवत कथा क्या महिमा है। अगर यहाँ पर 6 बज गए हैं और कोई बोले कि 6 बजे थोड़ा सा देर हो गया, 6:30 बजे यहाँ पर सोने बटेगा, सोने के कुंडल बटेंगे 10-10 ग्राम के, सोने की चैन बटेगी 20-20 ग्राम की, तो आप लोग जाओगे या रुक जाओगे? बोले नहीं, हमें तो दूध लेने जाना है, हमें घर में खाना बनाना है। आप सच सच बताना, अगर ये बोले कि 6 बजे तक सोना बटना था पर किसी कारण सोना पीछे से आया नहीं, लेट हो गया, 8 बज गया, हाँ, और 6:30-7 बजे मिलेगा, तो कौन कौन रुकेंगे? सच बताना, कौन? हाथ उठाओ, सच बताओ, भागवत कथा में बैठे हो, बोलो, सब रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोने की क्या महिमा है। सोने कितनी कीमत होगी? 10,000-20,000 जो कुंडल है, हम सब लोग रुक जाएंगे, पर भगवान की क्या कीमत है और भागवत कथा की क्या महिमा है ये हमें पता नहीं। जहाँ हम लोग बैठे हैं, महाराज जी भी कथा सुन के भागवत को बताया, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहिता अवतारम, अपार संसार समुद्र से तुम भजामय भागवत स्वरूपम। ये भगवान और भागवत में कोई भी अंतर नहीं है। तमादि देवम, जो आदि देव भगवान है, वही करुणा करके भागवत के रूप में आए, और संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको भागवत कथा दूर नहीं कर सकती। जगत में सारे दुखों को, जगत में जितनी भी समस्याएं हैं, सबको दूर करने की सामर्थ्य है भागवत में। परंतु यदि सोना दे दिया जाए, हो सकता दुख दर्द दूर हो ना हो, जिनके पास सोना है वो भी दुखी है ना। परंतु भागवत कथा ऐसी कथा है जो आपके जड़ से दुखों को दूर कर देगी। इसलिए इस कथा को बड़े गंभीरता से सुनो। और हमारे अशोकनगर में कथा होती थी दिसंबर में, सर्दी के महीने में, वहां पर श्रोता लोग पहले आ जाते थे, महाराज जी से पहले पूरा पंडाल भर जाता था और कथा के बाद में वो जाते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि महिमा क्या है। इसलिए आप लोग इस कथा की महिमा समझो, भगवान की महिमा समझो, एक क्षण में ही सारे दुख दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, महाराज जी भी इतना परिश्रम से 3-3 घंटा कथा सुनाते हैं, 4 घंटा भी, सुबह भी प्रोग्राम, शाम भी प्रोग्राम करते हैं, खोड़ा में अभी भी एक प्रोग्राम होगा और सुबह मंगल आरती में भी 4 बजे उठते हैं। इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं महाराज जी? सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी तरह से भी। साधु क्या होते हैं? वो बड़े दयालु होते हैं, उनके हृदय में दया है। वो क्या जानते हैं कि हम लोग भगवान की महिमा जानते नहीं, भगवान का भजन करना भी नहीं चाहते और भगवान की हमें आवश्यकता भी नहीं है। जैसे संसार को बताया, संसार दावानल नलिनी लोका, ये संसार क्या है? दावानल है। दावानल समझते हैं? दावानल समझ, एक अग्नि होती है जो जंगल में लगती है, वो अपने आप लगती है, इतनी भयंकर लगती है उसको कोई बुझा नहीं सकता। अगर फायर ब्रिगेड भी भेजो ना, वो भी नहीं बुझा सकती उसको, कौन बुझा सकता है? अगर बहुत सारे मेघ बादल आ जाएं और तेजी से बारिश करे तो जंगल की आग वो बुझती है। तो इस संसार को बताया, हमारे संत लोगों ने बताया, संसार दावा नल है। और क्या है? नल लीलोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। और भगवान के जो संत लोग, भक्त लोग, वो क्या है? वो क्या है? बादल की तरह, घने बादलों की तरह। और ये दावा नल जो आगे कैसे लगती है पता है? इसे कोई लगाता नहीं है। संसार में जो आग लगती है उसे कोई लगाता नहीं है। ये क्या है? अपने आप पेड़ों के घर्षण से जंगल में, अमेरिका में, कनाडा में बहुत भयंकर आग लगती है। वो एक दूसरे पेड़ घर्षण होता है और आग लग जाती है। तो इस संसार में जो दुख है ना, उसका कोई कारण नहीं है, हम ही कारण है।
हमारे पिछले जन्म में जो जो कर्म किए गए हैं उसी के कारण हम लोग दुखी हैं। और कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिना उदास है। थोड़े थोड़े संसार में सभी दुखी हैं, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, रोग से, कष्ट से, पड़ोसी से, अड़ोसी से। परंतु संत लोग क्या करते हैं, वो हमें जगाने के लिए आते हैं कि जागो भाई, जागो, भगवान की शरण में आओ। आज महाराज जी सुबह मंगल आरती के बाद बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे कि भगवान के चरण कमल कैसे अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। भगवान के चरण कमल क्या है, वहाँ अशोक है, किसी भी प्रकार का वहाँ शोक नहीं है, अभय वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है, और मृत्यु भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं है। भगवान के चरण कमल ऐसे है, उनकी शरण में जाने के लिए भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रह्म, मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण में आएंगे तो क्या करेंगे, बोले अहम तुम सर पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा, और क्या कहूंगा तुम्हें अभय जो पद है नित्य जो सनातन आनंद प्रदान मैं करूंगा। वही महाराज जी बताने के लिए आए, आपके प्रति विशेष दया करने के लिए इतना परिश्रम हो रहा है, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है इतनी, पर आप लोग क्या करोगे, अगर थोड़ा कष्ट करके, कथा बहुत दूर होती है, लोग पता खोड़ा में आप लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, और खोड़ा के लोग भक्त लोग आप लोग समय से तो आते हैं, और थोड़ा सा परिश्रम करो, टाइम से आ जाओ। अच्छा, अच्छा। और अपने साथ दो दो चार चार लोग लाओ, जो कथा में जो भगवान आज ये लोग लेकर का आए, कल जितना भक्त थे ज्यादा है मुझे लगता है भक्त लोगों ने, कितने कितने भक्त लेकर के आए हो, बोला सही सही। हाँ कल भी और दो दो भक्तों को लेकर आना, दो दो भक्तों को लेकर आना, ये सबसे बड़ी दया है। जीव पर दया करना क्या है, किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति सिद्धांत कृपा जी कहते हैं, अगर एक जीव माया के दुर्ग में नीचे नरक में जा रहा है, उसकी विपरीत बुद्धि को निकाल के भगवान के चरणों में मोड़ दिया जाए, इससे बड़ी दया कोई नहीं है। अगर किसी को किसी कारण से आप भगवान की कथा में लिया होगे, उसका फल आपको भी मिलेगा। इसलिए क्या करो, रोज टाइम से आओ, और अपने साथ दो व्यक्ति को या एक व्यक्ति को जरूर लाना, ये सेवा है आपकी। तो कोई बोलते भाई भागवत में हमारी क्या सेवा है, हमारी क्या सेवा है, अभी तो सब भक्त लोग सेवा कर ही रहे, पर सबकी यहाँ जितने भक्त लोग बैठे हैं एक एक सेवा है, अपने साथ एक एक भक्त को लाना, कोई भी एक व्यक्ति को लाना, कथा यहाँ पे सुनाना, उसकी बहुत बड़ी महिमा है, उसके सारे संसार के सारे दुख दूर हो जाएंगे, और भगवान के प्रति उन्मुख हो गया, समझो इससे बड़ी कृपा कोई नहीं है। इसलिए महाराज जी कथा सुना रहे हैं, और हमारे प्रभु जी भी इतना सुंदर सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, केशव वाले भैया, डोरीलाल जी इतना परिश्रम करके वृंदावन से आए हैं, ये आप लोगों के लिए आए हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या करो, 7 दिन के बाद देखना आपका मन भी नहीं लगेगा, इतना आनंद आ रहा है, यहाँ पर नाचो गाओ भगवान की कथा सुनो, और कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सुनाओ बस यही करना है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनो, जरूर इस कथा का फल है। अगर कोई कथा में 1 सेकंड के लिए भी बैठ जाता है ना, अगर कोई 7 दिन बैठेगा उसको तो फल है ही, अगर कोई 1 दिन आके भी प्रणाम कर लेता है उसको भी भगवान भूलते नहीं, इतने दयालु भगवान है। और संसार में आप पूरा जीवन भी दे दोगे ना, पूरा जीवन भी, तो बच्चों के लिए पूरा जीवन दे दो, 9 महीने गर्भ में रखो, पढ़ाई लिखाई कराओ, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड ट्वेल्थ तक कराओ, कोर्स कराओ, फिर जैसी शादी होती है छोड़ के चले जाते, तुम बोले हमारे लिए क्या किया, कितना साल दिया, 25 साल, पर भगवान क्या है, 1 मिनट भी उनके लिए दिया ना, कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, इतने दयालु भगवान है। इसलिए आप लोग क्या करो, जो व्यक्ति आपकी महिमा जानता है, जो आपको थोड़े में बहुत कुछ देना चाहता है, बुद्धिमान लोगों को उनके लिए समय देना चाहिए, और जो बहुत कुछ समय दो, कुछ भी आपकी नहीं जानता, आपकी वैल्यू भी नहीं जानता, आपको कोई प्रेम से भी नहीं बोल सकता, फिर उसके लिए जीवन क्या देना। इसलिए आप लोग इस चीज को समझो और भगवान की कथा में आओ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरु महाराज की पिताई गौर प्रेमानंदे अलग राय भजन के बाद जानते हैं हाँ, हमारे बीच में एक अच्छे कलाकार भैया आए जो बच्चों को संगीत सुंदर सुंदर संगीत सिखाते हैं,
बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए वो आपको बड़े सुंदर एक भजन का संगत को जय श्री कृष्णा। सौभाग्य कि यहां गाने को मिल रहा है। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर अति सुंदर सुंदर नंद गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद गोविंदा हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि ओम।
होली के लिए बोलते हैं तो होली तो हो नहीं पाएगा, छोटा छोटा बोल दूं दो, एक गुजरिए खोल के बढ़िया बोल दूं, मैं तो तेरी हो गई हम दुनिया क्या जाने। तो बहुत है अनेकों गोपियों को लेकर के गोपी आ गई और कहा कह रही है चंदा छुप मत जाइयो, आज संग होली खेलूंगी और आज क्या छोड़ूंगी आज और कहा कहा पहरूंगी। आइए चंदा छुप मत जाइयो आज श्याम पर होली खेलूंगी, शाम में तो टी को पहनूंगी, शाम में तो टी को पहनूंगी।